गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कुछ समय पहले यहाँ लेक्चर 17 लिखा हुआ था और मैंने कहा था बहुत जल्द लेक्चर 71 पे पहुँच जाएंगे हम। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ट्रस्ट एक्सप्लेनेशन टू 11(1) के क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 में एग्जेम्पशन क्लेम करती है बाय गिविंग अ नोटिस टू द AO। बट प्रैक्टिकली लोग वो क्लेम नहीं करते। प्रैक्टिकली लोग क्या क्लेम करते हैं? 11(2) क्लेम करते हैं। पेज 397। सो अगर प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2021 में 100 इनकम है, 15 एडहॉक है डिडक्शन, अप्लाई किया मान लीजिए 25, 60 बच गया, तो ट्रस्ट अगर 85% खर्च नहीं कर पाई है तो ट्रस्ट क्या कर सकती है? 11(2) में ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती है। यहां आपको पर्पस बताना होता है कि किस पर्पस के लिए पैसा आप एक्यूमुलेट सेट अपार्ट कर रहे हैं। और जो पीरियड है जिसके लिए सेट अपार्ट करेंगे दैट शुड नॉट एक्सीड 5 ईयर्स, यानी मैक्सिमम 31 मार्च 2026 तक कर सकते हैं सेट अपार्ट, ठीक है। और इस पैसे को आपको एक सेपरेट फंड में ट्रांसफर करना होता है बैलेंस शीट में, और इस पैसे की 60 लाख का फंड बनाना होगा। 60 लाख की आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी एज पर सेक्शन 11(5). तो आपका 60 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नॉर्मली ट्रस्ट यही करती है, अभी हम लॉ पढ़ते हैं। लॉ ने कहा है 5 साल तक अकुमुलेट कर सकते हैं, लेकिन लॉ आपको एक बोनस साल देता है। जैसे कि मैंने पर्पस रखा कि स्कूल बनाऊंगा, एक नया स्कूल बनाऊंगा, अब मैं 60 लाख को सेट अपार्ट करूंगा स्कूल फंड में, 60 लाख की FDR या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करा दूंगा। आपको AO को नोटिस देना होता है प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और ये नोटिस दिया जाता है बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। पहले कभी इस नोटिस को देने का टाइम पीरियड नहीं होता था, बट अमेंडमेंट आई कि नोटिस आपको देना पड़ेगा बाय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर नोटिस नहीं दिया आपने बाय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एग्जेम्पशन अंडर 11(2) आपको नहीं मिलेगी। 11(2) ऑन पेज 397, एग्जेम्पशन इफ इनकम एक्यूमुलेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, वेयर 85% ऑफ द इनकम रेफर्ड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 रेड विद एक्सप्लेनेशन टू दैट सबसेक्शन इज नॉट अप्लाइड टू चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस in India during the previous year, but is accumulated set apart, either in whole or in part, for application to such purposes in India, such income so accumulated set apart shall not be included in total income of the assessee of the previous year of the person in receipt of the income provided the following conditions are complied with. Such person furnishes a statement in the prescribed form prescribed manner to the AO stating the purpose for which the income is being accumulated set apart and the period for which the income is accumulated set apart which in no case shall exceed 5 years. तो लोग मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए accumulate करते हैं और एक साल बोनस मिलता है आपको
पर्पस अचीव करने के लिए। जब आप पास या क्वेश्चन करेंगे, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया है कि ट्रस्ट ने 31 मार्च 2021 में इनकम एक्युमुलेट की फॉर 3 ईयर्स, यानी 31 मार्च 2024, यानी पैसा कब तक अप्लाई करना है आपको? एक बोनस साल मिलता है, हमेशा एक बोनस साल मिलता है यहां पर, तो 31 मार्च 2025 तक अप्लाई करनी है जिस पर्पस के लिए आपने सेटअप आर्ट की थी। तो आपको एओ को प्रिस्क्राइब फॉर्म में इन्फॉर्म करना पड़ता है, जहां आप पर्पस बताते हैं, पीरियड बताते हैं जिसके लिए आपने इनकम सेट अपार्ट की है, एक्यूमुलेट की है। द पीरियड कैन नॉट एक्सीड 5 ईयर्स। द मनी सो एक्यूमुलेटेड सेट अपार्ट इज इन्वेस्टेड डिपॉजिटेड इन द फॉर्म्स ऑफ मोड्स गिवन इन सेक्शन 11.5। अभी 11.5 करेंगे, तो इस पैसे को आपको 11.5 के सिक्योरिटीज में जमा करना होता है। उसमें बैंक FDR भी आ जाता है और बैंक सेविंग अकाउंट भी आ जाता है। द स्टेटमेंट रेफर्ड इन क्लॉज ए इज फर्निश्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट प्रीवियस ईयर। और ड्यू डेट तक आपको यह स्टेटमेंट एओ को फर्निश करनी है। अगर आपने कहा कि मैं स्कूल बनाऊंगा, बट किसी पड़ोसी ने, नेबर ने आपके स्कूल के कंस्ट्रक्शन पर स्टे ले लिया, किसी नेबर ने जहां आपने स्कूल की जमीन ली वहां किसी नेबर ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया कि आप स्कूल नहीं बना सकते, और हाईकोर्ट का स्टे 6 महीने फोर्स में रहा, तो क्या होगा? 6 मंथ की पीरियड बढ़ा देंगे हम। प्रोवाइडेड दैट इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स Referred in clause A, the period during which the income could not be applied for the purpose for which it was so accumulated set apart due to an order or injunction of the court shall be excluded. Purpose के लिए stay नहीं होता। नहीं, ये तो stay किसी और ने लिया होगा ना। ये तो जो आपने purpose था कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, उसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये रेजिडेंशियल लोकेलिटी है, यहाँ स्कूल नहीं बन सकता। हाँ, पर्पस वही होना चाहिए जो ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है, उससे इंसिडेंटल होना चाहिए। अब लोगों ने क्या किया, 31 मार्च 2021 में 60 लाख 11.2 में एक्युमुलेट कर दिया 5 साल के लिए, ठीक है, और पर्पस लिखा कि हम ये पैसा एक्युमुलेट कर रहे हैं फॉर पर्पस ऑफ एजुकेशन। वैलिड पर्पस है, एजुकेशनल ट्रस्ट है, उसने कहा हम 5 साल तक पैसा एक्युमुलेट कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन। अब जब ये 5 साल पूरे हो गए, एक बोनस साल मिलता है, सो 31 मार्च 2027 सपोज ये यूज नहीं कर पा रहे, तो क्या करते होंगे? ये डोनेट कर दिया। एक ऐसी ट्रस्ट को डोनेट कर दिया जो 12AA 1023 से रजिस्टर्ड है, और जिस ट्रस्ट को डोनेट किया वो भी स्कूल चलाती है, एजुकेशन में है, और कहा हमने तो पर्पस ऑफ एजुकेशन के लिए किया है। तो देखिए, यहां 6 साल पैसा आप एंजॉय कर गए विदाउट पेइंग टैक्स, उसके बाद इसको डोनेट कर दिया, ये भी ऐसी हरकत कर देगा फिर? जबकि लॉ मेकर्स एग्जेम्पशन क्यों दे रहे हैं कि पैसा चैरिटी रिलीजियस पर्पस के लिए अप्लाई होना चाहिए, एंड देयरफॉर इन्होंने 11.2 अमेंड किया कि, और ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 11.2 में है, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 11.2 में है कि जो पैसा आपने 11.2 में एक्युमुलेट सेट अपार्ट किया है उसको आप डोनेट नहीं कर सकते। अगर डोनेट किया
तो हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, जिस साल में डोनेट करेंगे उस साल की इनकम मान लेंगे आपकी। क्लियर? एक बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऐड की गई, एनी अमाउंट डोनेटेड आउट ऑफ द इनकम एक्यूमुलेटेड अंडर क्लॉज ए अबव टू एनी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर 12AA और एनी इंस्टीट्यूशन रेफर्ड इन 1023C शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पजेज आइदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकोमुलेशन और इन द बोनस ईयर। सो दिस रिस्ट्रिक्शन यहां लिखिए, यहां लिखिए, दिस रिस्ट्रिक्शन इज ओनली फॉर सेक्शन 11(2). यहां लिखा है कि अगर आपने डोनेट कर दिया 12AA इंस्टीट्यूशन को या 1023 इंस्टीट्यूशन को तो हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, मिसयूज मानेंगे। अगर मैंने एक ऐसी ट्रस्ट को दे दिया जो 12AA में रजिस्टर्ड नहीं है, फिर वो तो वैसे ही एप्लीकेशन नहीं मानते, वो तो वैसे ही एप्लीकेशन नहीं मानते। अब मैंने क्या किया, देखिए 60 लाख के लिए फॉर्म दे दिया, स्कूल बिल्डिंग फंड बना दिया 60 लाख रुपीस का, इधर इन्वेस्टमेंट्स आ गई मेरी 60 लाख रुपीस की, ठीक है। अब मैंने 5 साल के लिए पैसा एक्युमुलेट किया है। अच्छा, सपोज मैं पहले ही साल में स्कूल की बिल्डिंग खरीद लेता हूं, फिर क्या होगा? 31 मार्च 2022 में मैंने स्कूल की बिल्डिंग खरीदी तो क्या होगा? 60 लाख की FDR ब्रेक करके स्कूल की बिल्डिंग खरीद लूंगा और फिर ये पैसा फ्री करके जनरल फंड में ट्रांसफर कर दूंगा, जनरल रिजर्व, जो भी जनरल फंड होता है उसे। अब लॉ कहता है कि अगर आपने 5 साल से पहले स्कूल बिल्डिंग परचेज नहीं की और इस फंड को आपने जनरल फंड में ट्रांसफर कर दिया या किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया, मोटर कार्स खरीद ली, मर्सिडीज कार खरीद ली, तो मिसयूज माना जाएगा, वॉयलेशन हो जाएगी और हम ये पैसा टैक्स कर देंगे जिस साल में मिसयूज हुआ। अगर आपने 5 साल से पहले अगर ये इन्वेस्टमेंट तोड़ दी और पैसा यूज नहीं किया फॉर द पर्पस फॉर विच इट वॉज सेट अपार्ट तो वॉयलेशन माना जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली जिस साल में वॉयलेशन हुआ उस साल की इनकम बना देंगे हम। अगर आपने 5 साल प्लस 1 ईयर प्लस बोनस साल आपने 5 साल के लिए किया, हम 6 साल दे रहे हैं आपको, 6 साल के अंदर आपने ये पैसा यूज नहीं किया, ऐसे रखा रखा, तो हम 6th ईयर में जितना पैसा यूज नहीं हुआ था आपकी इनकम बना देंगे। या फिर अगर आपने ये पैसा डोनेट कर दिया किसी ट्रस्ट को तो भी हम इनकम बना देंगे आपकी। ये बात 11(3) कहता है। एग्जेम्पशन विड्रॉन इफ स्पेसिफिक कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, एनी इनकम रेफर्ड इन 11(2) विच इज अप्लाई टू पर्पजेज अदर देन चैरिटेबल रिलीजियस पर्पजेज एज अ फोर सेट, आपने किसी और पर्पज के लिए यूज कर दिया फंड, या फिर सीजेस टू बी एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट फॉर एप्लीकेशन देयर टू, आपने क्या किया, जनरल फंड में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट पेज, शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ सच पर्सन, किस साल की, इन क्लॉज ए ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज अप्लाई टू पर्पजेज अदर देन चैरिटेबल रिलीजियस पर्पजेज और ऑफ द प्रीवियस ईयर इन इट सीजेस टू बी एक्युमुलेटेड सेट अपार्ट फॉर एप्लीकेशन टू चैरिटेबल रिलीजियस पर्पजेज। क्लियर है? वापिस आई। बी,
आपने इन्वेस्टमेंट्स तोड़वा दी और पैसा यूज नहीं किया, सीजेस टू रिमेन इन्वेस्टेड डिपॉजिटेड इन एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ मोड्स स्पेसिफाइड इन 11(5) नेक्स्ट पेज शैल बी डीम्ड टू द इनकम ऑफ सच पर्सन क्लॉज 2 इन क्लॉज बी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट सीज टू रिमेन इन्वेस्टेड डिपॉजिटेड एज पर 11(5) सी ऊपर इट इज नॉट यूटिलाइज. ध्यान से पढ़िएगा, यहां बोनस साल की बात है, यहां बोनस साल की बात है. इट इज नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज एक्युमुलेटेड सेट अपार्ट ड्यूरिंग द पीरियड रेफर्ड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 पांच साल. और क्या लिखा है, इन द इमीडिएटली इन द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सपायरी देर ऑफ, यानी एक साल का बोनस दे दिया आपको. तो अगर आपने 6 साल में पैसा यूज नहीं किया, 3 इन क्लॉज से इनकम बन जाएगी किस साल की, 6th ईयर की. और डी है, अगर आपने किसी दूसरी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन जो 12AA 1023 में सी में रजिस्टर्ड उसको डोनेट कर दिया तो ये उस साल की इनकम बन जाएगी. क्लियर है? ओके. जश्न का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स मेड अंडर सेक्शन 11(5) फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 11(2) क्या होगा इसका, शैल बी ट्रीटेड एज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन द ट्रस्ट. लिख लीजिए, पेज 398 एट द टॉप लिखिएगा, पेज 398 एट द टॉप. The same is eligible for exemption under Section 11. क्लियर? अच्छा, जो मैं 15% सेट अपार्ट करता हूं उसमें से मैं डोनेशन दे देता हूं, जो मैं 15% सेट अपार्ट करता हूं उसमें से डोनेशन दे देता हूं. एओ कहता है जी 11(2) की वायलेशन हो गई आपकी, इज एओ करेक्ट और नॉट? इनकरेक्ट. जजमेंट देखिए दिल्ली हाई कोर्ट की, कैन एक्सप्लेनेशन from the judiciary, can explanation to 11(2) be applied in case in respect of accumulation up to 15% referred in 11(1A) to treat the donations made to another trust
from the permissible accumulation up to 15% as income of the trust? No. Held at 85% income which is accumulated cannot be donated. However, 15% which is set apart is not subject to any conditions. If any amount is donated to another trust registered under 12AA out of 15% accumulated income, then the amount donated cannot be said to be violation of 11(2) and therefore income nahi mani jayegi. सेक्शन 13 होता है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी आपको. सेक्शन 13 होता है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. सो कुछ जजमेंट्स आ गए थे जहां कोर्ट्स ने कहा कि 11(2) में जो फॉर्म देना होता है ना, अगर आपने देर से भी दिया तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी. ये सेक्शन 13 कहता है कि एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी आपको. वहां पर सब सेक्शन 9 लेके आए, denial of exemption if return of income or prescribed form under 11(2) is not furnished within the due date of filing of return. ye keh rahe 11(2) nahi milega aapko. Nothing contained in section 11(2) shall operate so as to exclude any income from the total income of the previous year of a person in receipt thereof if one jo statement aapki 11(2) mein वो आपने फर्निश नहीं की ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. नंबर टू, आपने रिटर्न नहीं फर्निश की ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. नहीं, एंड कर दीजिए, एंड कर दीजिए, एंड. सो आपको स्टेटमेंट भी फर्निश करनी है, रिटर्न भी फर्निश करनी है बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न नहीं की तो एग्जेम्पशन आपको कोई भी कोर्ट नहीं दिला सकता. मैंने नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, नहीं और भी ठीक है ना. देखिए सेक्शन 39 कहता है कि एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अगर आपने स्टेटमेंट नहीं फाइल की या ये नहीं किया, दोनों में से कोई भी नहीं किया तो वॉयलेशन है, तो और ठीक था वहां पर. तो सेक्शन 39 कैटेगरी के लिए डिनाई करता है कि एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अगर आपने 11(2) का फॉर्म जमा नहीं किया या रिटर्न टाइम में जमा नहीं की. नोट 2 में लिखा है मैंने कि फाइनेंस एक्ट 17 में सेक्शन 12A चेंज कर दिया गया था, आज करेंगे उससे शायद, जहां लिखा गया था कि एग्जेम्पशन अंडर 11 तभी मिलेगी जब रिटर्न टाइम पे फाइल करते हैं. यानी अगर 39(9) भी आएगा तो 12A में ये कंडीशन डाल दी गई थी. इन नटशेल अब कहने का मतलब क्या है कि एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब आपने रिटर्न भी टाइम पे फाइल की है एंड स्टेटमेंट भी टाइम पे फाइल की है. 12A किसके लिए है? 12A की पूरी 11 की एग्जेम्पशन. 11(1) 11(1) भी नहीं मिलेगी आपको अगर आपने ड्यू डेट पे नहीं फाइल की. यानी 12W तो सिंपली ये कह रहा है 11 की एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं आपको अगर आपने रिटर्न टाइम में नहीं फाइल की. क्लियर? इलस्ट्रेशन देखिएगा. ड्यूरिंग द प्रीवियस 2021 द ट्रस्ट derive the following income. Voluntary contributions, जिसमें से 20,90,000 specific direction के लिए है कि corpus की तरफ है. So 41,10 minus 20,90, ये कितना हो गया? 20,20. Income from property held under trust 2,00,000. During the previous year 2021, the trust spends 2,19,610 and sets apart 7,46,000 for the purpose of construction of a charitable hospital up to 31st March 26. पूरे 5 साल ले लिए इन्होंने. Determine the taxable income of the trust on the assumption that trust utilizes 4,65,000 up to 31st March 27. एक साल बोनस ले लिया हमने.
फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल. सो 2 लाख की मेरी जनरल रिसीट्स हैं, 20-20 की मेरी डोनेशंस हैं, 15% एडहॉक हो गया. अप्लाई किया मैंने 219610, 1667 में से 746 मैंने 11-2 में सेट पार्ट कर दिया. इनकम आ गई मेरी 921,390. अब आपने प्रीवियस ईयर 27 तक खर्च कितना किया है? 465. जो बैलेंस है ये इनकम बन जाएगी आपकी 31 मार्च 27 प्रीवियस ईयर की. क्लियर? लास्ट पैरा पढ़िए. सपोज इन द अबव केस द हाई कोर्ट हैज पास एन ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग द ट्रस्ट टू स्पेंड द अमाउंट एक्युमुलेटेड इन द हाई कोर्ट ऑर्डर वॉज इन्फोर्स फॉर 3 मंथ्स. फिर क्या होगा? आपको ये पैसा खर्च करना चाहिए था बाय 30 जून 27. नहीं किया तो प्रीवियस ईयर 28 की इनकम बन जाएगी. क्लियर? नहीं, जो 15% ट्रस्ट सेट अपार्ट करती है उसे बस ट्रस्ट में रखना होता है आपको. फ्री है वो, उसे यूज करेंगे तो चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए करेंगे. हम पढ़ेंगे अगर ट्रस्ट कुछ और काम शुरू कर देती है अदर देन द ऑब्जेक्ट जिसके लिए वो अप्रूव हुई थी तो कमिश्नर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा. क्या ट्रस्ट बिजनेस चला सकती है? एग्जाम्पल दीजिए. नहीं, स्कूल को लॉ बिजनेस नहीं मानता. तिरुपति बालाजी रिलीजियस ट्रस्ट है, वहां लोग मनोकामना पूरी होती अपने बाल दे के आते हैं और उन हेयर को वो प्रोसेस करके विग्स वगैरह बनाते हैं, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं. बिजनेस हो गया. तिरुपति बालाजी में जाइए आप, जो प्रसादम होता है लड्डू वो सेल करते हैं वो लोग, बिजनेस है. आज रिलीजियस ट्रस्ट जो होती हैं भगवद गीता वगैरह किताबें बेचती हैं छापकर, दैट्स अ बिजनेस ओनली. तो लॉ कहता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अलाउड है, प्रोवाइडेड जो बिजनेस है इट इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट और उस बिजनेस के लिए आपने सेपरेट बुक्स रखी हुई और उस बिजनेस इनकम पर भी आपको 11-1, 11-2 मिल जाएगा. उस बिजनेस इनकम पर भी आपको 11-1, 11-2 मिल जाएगा. लॉ ये भी कहता है आपने बिजनेस इनकम दिखाई 100 लाख, सो 100 लाख का 15% एडॉक मिल जाएगा आपको और जितना अप्लाई कर देंगे चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपको. पर जो एओ ने बिजनेस इनकम निकाली 126 लाख निकाली तो लॉ कहेगा जो 26 लाख है उस पर आपको एग्जेम्पशन 11 नहीं मिलेगा. जो एओ ने एक्सेस इनकम निकाली उस पर आपको सेक्शन 11-1, 11-2 नहीं मिलेगा. नेक्स्ट पेज पर देखिए 11-4A. ट्रीटमेंट ऑफ बिजनेस इनकम ऑफ द ट्रस्ट सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू एनी इनकम ऑफ अ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन बीइंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस अनलेस मतलब मिल जाएगा आपको अनलेस द बिजनेस इज इंसिडेंटल टू
attainment of the main objects of the trust. And number two condition kya hai? Separate books of accounts are maintained by such trust institution in respect of such business. ठीक है. सो बिजनेस इनकम पर 11-1 11-2 नहीं मिलता आपको. मिल जाएगा अगर बिजनेस इज इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट और उस बिजनेस के लिए आपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है. 11-4 पढ़िएगा. For the purpose of this section, property held under trust includes a business undertaking so held. इस पे स्टार लगाइए. हमने 11-1 में पढ़ा था कि income derived from property held under trust. क्या कह रहे हैं यहां पर ये? Property held under trust में हम business undertaking मान लेंगे. कंडीशन क्या होगी? स्टार लगा के लिखिए ऊपर. एग्जेम्पशन अंडर 11-1 एंड ऑब्लिक और 11-2 इज अवेलेबल फॉर बिजनेस इनकम only if business is incidental to attainment of main objects of trust and separate books maintained. For such business, अलग से बुक्स इसलिए मेंटेन करा रहे हैं कि देखना चाहते हैं कि किस तरह की रिसीट्स आ रही हैं, किस तरह के खर्चे हो रहे हैं. मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बट एक बड़ी फेमस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो नाम नहीं लेते 11 एग्जेम्पशन क्लेम करती है सेक्शन 11 एग्जेम्पशन और वो हॉस्टल चलाते हैं बच्चों को. जब एमबीए प्रोग्राम कराते हैं तो उन्हें हॉस्टल में रहना कंपलसरी होता है और हॉस्टल पूरा 5-स्टार बनाया हुआ है और जबरदस्त पैसा लेते बच्चों से उस हॉस्टल के लिए. अब वो ट्रस्ट ने कहा कि हमारा बिजनेस जो है हॉस्टल चला रहे हैं हम इंसिडेंटल है उसके लिए बुक्स रखी हुई हमने और जो सरप्लस आ गया उसको का हम अब यूज कर देते हैं एजुकेशन पर्पसेस के लिए. अगर बिजनेस इंसिडेंटल नहीं है फिर तो कमिश्नर ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा. करेंगे आज या नेक्स्ट क्लास में कि जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनी है वो पर्पस ही नहीं कर रहे आप तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे. इलेवन फोर के आगे लिखिए. बिजनेस इनकम shown by a assessee 100 lakh AO determines business income 126 lakhs
तो अब लॉ कहेगा ऑन रुपीज 26 लाख एग्जेम्पशन अंडर 11 and 12 शैल नॉट बी अवेलेबल. 11 ही लिख सकते हैं, 12 तो मैंने बताया, बोलते हैं हम 11 12. करेक्ट. नहीं नहीं नहीं, जो बिजनेस इनकम है उस पर तो पीजीपी चैप्टर लगाया जाएगा. जो बिजनेस इनकम है उस पर तो चैप्टर पीजीपी लगेगा. ये 11-4 में लिखा मिलेगा अभी आपको. तो बिजनेस इनकम जो एओ निकालेगा एस पर चैप्टर ऑफ पीजीपी निकालेगा आपकी. ये बात 11-4 में लिखी मिलेगी आपको. For the purpose of this section, what do you mean by this section? No. Pura section 11. For the purpose of this section, means section 11. Property held under trust includes a business undertaking, so held, and where a claim is made that any income of any such undertaking shall not be included in total income of the person in receipt thereof, the AO shall have the power to determine the income of such undertaking in accordance with the provisions of this act. Yani PGP chapter ke sabse nikalega. Relating to assessment and where income so determined by the AO, 126 lakhs, is in excess of the income shown in the accounts of the undertaking, 100 lakh, the excess shall be deemed to be applied to purposes other than charitable religious purposes. यानी जो एक्सेस है उस पर सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी आपको. ठीक, 11-5 का रेफरेंस कहां पढ़ा था आपने? इलेवन टू में पढ़ा था कि 11-2 में जो आपने फंड सेट अपार्ट किए उसको आपको 11-5 के हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो यानी कि एक मिनट सेक्शन पढ़िए क्या लिखा हुआ है. द फॉर्म्स एंड मोड्स ऑफ इन्वेस्टिंग डिपॉजिटिंग द मनी रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन टू. सबसेक्शन टू मीन्स 11-2 शैल बी द फॉलोइंग इंटर एलिया. यानी ये सेक्शन 11-2 के लिए लग रहा है आपको या नहीं? बट हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि ट्रस्ट का सारा पैसा आपको इसी फॉर्म में रखना होता है. ट्रस्ट का सारा पैसा आपको इसी फॉर्म में रखना होता है. और अगर आपने ट्रस्ट का पैसा इस फॉर्म में नहीं रखा तो आपकी एग्जेम्पशन खत्म कर देंगे. लिखिए, चलिए आपको दिखाई देता हूं पेज 407. सेक्शन 13(1)(d) पढ़िए. पेज 407 13(1)(d) में क्या लिखा है? एंटायर इनकम ऑफ द ट्रस्ट. ऊपर से पढ़िए पेज 406 से. एग्जेम्पशन अंडर 11-12 शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग इनकम्स. एंटायर इनकम ऑफ द ट्रस्ट if its funds are invested, deposited otherwise than as specified in 11-5. यानी ट्रस्ट को सारा पैसा इसी मोड्स में इन्वेस्ट करना होता है. लिखिए, पेज 400.
पेज 400 115 के आगे लिखिए, एंटायर फंड्स ऑफ द ट्रस्ट हैव टू बी इन्वेस्टेड एज पर सेक्शन 115 एंड इफ नॉट इन्वेस्टेड एज पर सेक्शन 115 द ट्रस्ट शैल नॉट गेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 फॉर द एंटायर इनकम एज पर सेक्शन 13(1)(d) ठीक, ये पढ़ लीजिएगा एक बार, जो इंपॉर्टेंट है वो कराता हूं इसमें से। पहले ट्रस्ट का पैसा शेयर मार्केट में नहीं लग सकता था, 115 मना करता था। सो ट्रस्ट का पैसा पहले 115 मना करता था, शेयर मार्केट में नहीं लग सकता। क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज शेयर मार्केट स्पेकुलेशन है, रिस्की है। फिर इन्होंने अमेंडमेंट की कि ट्रस्ट का मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ किस चीज में? शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ सरकारी कंपनी, क्योंकि सरकारी कंपनी में स्पेकुलेशन नहीं होती, वो तो मेजॉरिटी कंट्रोल सरकार के पास ही होता है, लाइक इंडियन ऑयल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BPCL वगैरह। क्लॉज नंबर 7 देखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ डिपॉजिट्स, ऐड करिए, और डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स इन एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी ट्रस्ट का पैसा लगा सकते हैं आप शेयर मार्केट में, किस चीज पर? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी जो होती हैं उसके शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, डिपॉजिट्स में। अब क्या होता है, सरकारी कंपनी प्राइवेट बन जाती है। एग्जांपल देंगे, VSNL टाटा ने टेक ओवर कर ली थी। अब ये सरकारी कंपनी नहीं रही, टाटाज ने मेजॉरिटी स्टेक ले लिया सारा। तो लॉ कहता है कि अच्छा, अब मेरी वॉयलेशन मान ली जाएगी, अब वॉयलेशन हो गई, मेरी एग्जेम्पशन खत्म कर दी जाएगी। तो लॉ मेकर्स आपको 3 साल देते हैं, 3 साल देते हैं। सपोज VSNL गवर्नमेंट कंपनी थी, सरकारी कंपनी बन गई 31 जनवरी 2020 में। अब लॉ मेकर्स कहते हैं कि ठीक है, इसके एंड में आइए 31 मार्च 2020, वहां से 3 साल ले लीजिए 31 मार्च 2020। इन शेयर्स को आप इस दिन तक रख सकते हैं, वॉयलेशन नहीं मानेंगे। बट इसके बाद क्या करिए आप,
दूसरी इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करिए, यानी 3 साल तक परमिट कर दिया आपको, वॉयलेशन नहीं मानेंगे हम। और अगर आपने डिपॉजिट लिए, डिबेंचर्स लिए हैं, जब तक वो रीपे नहीं हो जाते हम वॉयलेशन नहीं मानेंगे। जब तक वो रीपे नहीं हो जाते हम वॉयलेशन नहीं मानेंगे। क्लियर है? देखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स इन एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसे, प्रोवाइडेड दैट वेयर एन इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट इन एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज बीन मेड एंड सच पब्लिक सेक्टर कंपनी सीजेस टू बी अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, सच इन्वेस्टमेंट मेड इन द शेयर्स ऑफ सच कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी इन्वेस्टमेंट मेड अंडर दिस क्लॉज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years from the date on which public sector company ceases to be a public sector company. Sorry, 3 years from, मैंने end बता दी, गलत बता दी मैंने। 3 years कब से लेंगे? 31 January से लेंगे, यानी 30th January 2023. So provided at where an investment deposit in a public sector company has been made and such public sector company ceases to be a public sector company, such investment made in shares of such company shall be deemed to be investment made under this clause for a period of 3 years from the date on which the public sector company ceases to be a public sector company, and other investments, deposits shall be deemed to be an investment deposit made under this clause for the period up to the date on which such investment or deposit becomes repayable by such company. तो आपको private company के shares में invest करना allowed नहीं है, debentures में invest करना allowed नहीं है, but public sector company में invest कर सकते हैं। Public sector company बन गई private company, Tata's ने take over कर लिया, तो लॉ कहते हैं हम आपको 3 साल का टाइम देते हैं कि जिस दिन पब्लिक सेक्टर कंपनी प्राइवेट कंपनी बनी वहां से 3 साल तक आप होल्ड करके रखिए, हम वॉल्यूशन नहीं मानेंगे। बट 3 साल बाद वॉल्यूशन मानेंगे, यानी 3 साल बाद आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द अदर मोड्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स। जब तक रीपे नहीं हो जाएंगे हम वॉल्यूशन नहीं मानेंगे। कोई फर्क नहीं, बोनस शेयर आते तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती थोड़ी हैं, बोनस की कॉस्ट नहीं होती है, नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता उससे। जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आप उससे इनकम आएगी, दैट इज इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। ओके, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्वेल्थ देखिए, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसमें, यूनिट्स इशूड अंडर एनी स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड रेफर इन 1023D, यानी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स परचेस कर सकते हैं। नंबर 2 क्या है, शेयर्स एक्वायर कर सकते हैं किसके, डिपॉजिटरी NSDL, CSDL। नंबर सी देखिए क्या अलाउ किया उन्होंने, गोल्ड सॉवरेन बोन्स बॉन्ड्स इशूड बाय RBI खरीद सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद RBI वो खरीद सकते हैं। क्लियर है? बाकी 1 मिनट पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सपोज मैं
नहीं, आपने 60 लाख एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में इन्वेस्ट किए, और नहीं आप 11-2 पूछ रहे हैं, 11-2 में जो आपने मोड रखा था वही रखना पड़ेगा, चेंज नहीं कर सकते। तो आपको आईओसी में रखना पड़ेगा फॉर 11-2, क्योंकि मुझे फॉर्म जो भरना होता है उसमें डिटेल देनी थी मैंने किस में इन्वेस्टमेंट किया है। क्लियर है? तो आप पैसा जमा कर सकते हैं शेड्यूल बैंक के साथ, एफडी करा सकते हैं, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स। इस पर टाइम मत लगाइएगा, जो मैंने 3 क्लॉजेस कराए उतने कर लीजिए। ये 5 एक रीसेंट अमेंडमेंट आई है, पढ़ के देखिए। इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ पर्सन, ये पर्सन कौन है? ऑथराइज अंडर सेक्शन 4 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट इन इक्विटी शेयर और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, वो कंपनी जो कि रिटेल पेमेंट सिस्टम का काम कर रही है, डिजिटल पेमेंट सेटलमेंट का काम कर रही है इन इंडिया अब्रॉड अप्रूव बाय आरबीआई एंड जिसके 51% शेयर्स आर हेल्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक रूटीन अमेंडमेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। पेज 401 पर देखिए, इलेवन सिक्स में आपको करा चुका हूं, पढ़ के देखिए, करा चुका हूं। कि जिन एसेट की कॉस्ट को आपने एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड इफ परचेज ऑफ एसेट वॉज ऑलरेडी क्लेम्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन दिस सेक्शन वेयर एनी इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड अक्यूमुलेटेड सेट अपार्ट फॉर एप्लीकेशन देन फॉर सच पर्पजेज द इनकम शैल बी डिटरमिन्ड without any deduction allowance by way of depreciation or otherwise in respect of the asset acquisition of which has been claimed as application of income under this section in the same or any other previous year. Clear? Ruk jaiye abhi. Trust के पास एक एसेट है, उसको सेल कर दिए। ट्रस्ट अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करती है, इससे गेन आ जाता है। सेल प्राइस 100, कॉस्ट 20, 80 का गेन आ गया। क्या मैं इस 80 के गेन पर 11-1, 11-2 क्लेम कर सकता हूं? कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चेक करिए सेक्शन 11-1 क्या कह रहा है, पहले पेज पे जाइए, ट्रस्ट के पहले पेज पे जाइए, क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। ये इनकम कहां से आ रही है? ये तो ट्रांसफर से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैप गेन्स पर 11-1 11-2 नहीं मिलेगा, बिकॉज 11-1 11-2 कौन सी इनकम की बात करते हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, यानी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के अंदर हेल्ड है उससे इनकम आ रही है, जबकि ये तो इनकम आ रही है फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी। एंड देयरफॉर एज पर सुप्रीम कोर्ट 11-1 11-2 नहीं मिलेगा,
एंड गवर्नमेंट देयर फॉर लेके आई पेज 395 पर सेक्शन 11(1)(a). पेज 396 पर आइए, बिना सेक्शन पढ़े इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, बिना सेक्शन पढ़े इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अ ट्रस्ट होल्ड्स अ कैपिटल एसेट, इनकम ऑफ विच इज फुली यूटिलाइज फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ 1 मार्च 2021 को एंड कैपिटल गेन कंप्यूट हुआ एज अंडर सेल प्रोसीड्स 980, कॉस्ट 6 लैक्स, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितने हैं 20,360 का मेरा कैप गेन आ गया। अब मेरी नेट कंसिडरेशन कितनी है, 960। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, ये जब 6 लाख का आपने एसेट खरीदा होगा आपने एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया होगा, जो आपने 6 लाख एसेट खरीदा होगा जब इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया होगा, अब इसे बेच रहे हैं आप, तो लॉ कहता है जो मतलब एप्लीकेशन ऑफ इनकम होता है हम उसको कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसे छेड़ेंगे नहीं उसे। बट ये जो गेन हुआ 360 का, अगर आप पूरा 960 इन्वेस्ट कर देते हैं एक नए एसेट में तो पूरा 360 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं नया कैपिटल एसेट खरीदता हूं 960 का खरीदता हूं, वो कह रहे हैं जो पुराने एसेट की कॉस्ट है, पुराने एसेट की कॉस्ट कितनी थी मेरी 6 लाख, उससे ऊपर जितना इन्वेस्ट किया वो एग्जेम्प्ट है आपका। जो पुराने एसेट की कॉस्ट है ना, इसको इन्वेस्ट करने में कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसके ऊपर जो इन्वेस्ट करेंगे उतना एग्जेम्प्शन मिल जाएगा आपको। यानी अगर मैं 660 करूंगा तो कितना एग्जेम्प्शन मिलेगा 60,000। अगर एग्जैक्टली 6 लाख करूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा तो क्या होगा, पूरा कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर 960 इन्वेस्ट किया, जो मेरा कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल एसेट है उससे ऊपर जो इन्वेस्ट हुआ 360 वो एग्जेम्प्ट हो गया, 9 किया 3 एग्जेम्प्ट हो गया, 7 किया 1 एग्जेम्प्ट हो गया, 6 किया कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, 5 किया कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। यानी जो पुराना एसेट बेचा उसकी कॉस्ट से ऊपर जो इन्वेस्ट करेंगे उतनी एग्जेम्प्शन मिलेगी आपको। पढ़िएगा 11(1)(a), पेज 395 11(1)(a). कैप गेन्स डीम्ड टू बी अप्लाइड फॉर charitable religious purposes for the purpose of subsection 1, where a capital asset being property held under trust wholly for charitable religious purposes is transferred and whole or the net consideration is utilized for acquiring another capital asset so held, the capital gain arising from transfer shall be deemed to be applied for religious or charitable purposes to the extent specified as under, where the whole of the net consideration is utilized in acquiring the new capital asset, the whole of such cap gain
and where only a part of the net consideration is utilized for acquiring the new capital asset, so much of the capital gains as is equal to the amount, if any, by which the amount so utilized exceeds the cost of the transferred assets. Can I put a simple formula? Capital gains exempt under section 11(1)(a) is equal to cost of new asset purchased out of sale consideration of transferred asset minus expense, what is it? Cost of transferred asset. Limited to the amount of capital gains clear hai. अब मेरे क्वेश्चंस आंसर करिएगा. ये जो मैंने 960 इन्वेस्ट किया नए एसेट में, क्या मैं इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान सकता हूं 11(1)(11)(2) के लिए? क्या बात कर रहे हैं, फिर तो डबल बेनिफिट ले रहे हैं. बट ये एसेट तो आपने जो एसेट बेचा उसकी प्रोसीड से खरीदे हैं, उसके कैबिन हम आपके एग्जाम करा रहे हैं. सो जो नया एसेट परचेज किया है, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर 11(1)(11)(2). बट अगर नया एसेट 12 लाख का खरीदा होता अगर नया एसेट 12 लाख का खरीदा होता देन 240 विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम. बताइए, लिखिए पेज 395 से लिखना शुरू करिए. 395 एट द बॉटम से लिखना शुरू करिए. नोट वन, एग्जेम्पशन ऑफ 15% इज नॉट अवेलेबल फॉर कैपिटल गेन्स नेक्स्ट पेज यूज करिए. नोट टू, द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज्ड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज
cannot be treated as application of income for section 11(1) and 11(2). To the extent of net consideration of transferred asset, तो फिर तो आपको कैप गेन पे टैक्स देना पड़ जाएगा। नेट कंसीडरेशन को आपको इन्वेस्ट करना न्यू कैपिटल एसेट में। सपोज इन द एग्जांपल न्यू एसेट परचेज्ड वॉज ऑफ रुपीज 12 lakh, बताइए देन रुपीज 240 शैल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। क्लियर है? जो नई एसेट परचेज की उससे जो इनकम आएगी, दैट इज इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, उसको 11(1) 11(2) मिल जाएगा। इस सेक्शन में बहुत कमियां हैं जो मैंने बताई नहीं आपको। न्यू एसेट की कॉस्ट 12 लाख ही बनेगी। देखिए, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इस सेक्शन में बहुत कमियां हैं। अगर आप देखें नया एसेट कब तक परचेज करना है, टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ। हम प्रैक्टिकली बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग के टाइम तक खरीद लीजिए, बट लॉ में कुछ लिखा नहीं है, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा ये बातें। नया एसेट मैं खरीद कर रिटर्न फाइल करने से अगले दिन बेच देता हूं, फिर क्या होगा? कुछ नहीं लिखा लॉ में। तो लॉ में बहुत शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये सेक्शन रिवैम्प होना रह गया है, ये सेक्शन अभी चेंज होना रह गया है, बट अभी इतना काफी है आपके लिए। अब सीक्वेंस पे चलिए, देखिए हमारा कुछ छूटा तो नहीं। एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कराता हूं आपको। पहले अनोनमस डोनेशंस, जब चिदंबरम वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, वो ये कंसेप्ट लेके आए। जिस बजट में लेके आए थे, शाम को उसी शाम को फाइनेंस मिनिस्टर का स्पेशल टेलीकास्ट आया। बताऊंगा उसमें क्या हुआ था, बहुत शोर मचा था इस सेक्शन से। क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि स्कूल्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, स्कूल के अंदर एक डोनेशन बॉक्स लगा देते हैं।
और कहते हैं जब हमने डोनेशन बॉक्स खोला हमें इसमें 1 करोड़ रुपए मिला। ये देखिए जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं वैसे ही पेरेंट्स का खून चूसते हैं। आप क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स 1 करोड़ रुपए डोनेशन डाल के चले गए होंगे? नो, ये तो ट्रस्टीज अपना ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। ये तो ट्रस्टीज ने अपना ब्लैक मनी दिखाया, डोनेशन आई, फिर ट्रस्ट क्या करेगी? इस पे 15% एडहॉक एग्जेम्पशन ले लेगी। 85 लाख के लिए क्या करेगी? 11-2 में सेट अपार्ट कर देगी, एक नया स्कूल बनाएंगे हम। सो नया स्कूल बनाने में सारा ब्लैक का पैसा लग गया इनका, और फिर नए स्कूल से आमदनी आनी शुरू हो जाएगी। जो केजी के बच्चों को एडमिशन करते हैं उसे नंबर 2 में पैसा लेते हैं, वो सब आना शुरू हो जाएगा। यही हॉस्पिटल्स करते हैं। 11-12 में एग्जेम्प्ट होते हैं, या 10-23C वाले। कहा कि डोनेशन बॉक्स दिया था हमने, पेशेंट ठीक होके गया, बहुत सारे पैसे डाल गया। अरे आपने उसके टेस्ट करा करा के इतना पैसे वैसे निकाल लिया होता है, कौन डालेगा डोनेशन? ये ट्रस्टीज अपना ब्लैक का पैसा दिखाते हैं, डोनेशन की तरह आया, कौन देके गया पता नहीं, अनोनमस है, अनोनमस है। चिदंबरम लॉ लिखे आए 115 BBC, कि अगर किसी रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट को अनोनमस डोनेशंस मिलती हैं तो उस अनोनमस डोनेशंस पर 11-12 नहीं मिलेगा, एंड ये डोनेशंस टैक्स होंगी फ्लैट 30% पर। और चिदंबरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी बजट स्पीच में लिखा कि स्कूल्स वगैरह अपना ब्लैक मनी अनोनमस डोनेशंस के थ्रू कन्वर्ट कर जाते हैं इस तरह। और जब बजट खत्म हुई स्पीच, इतना ज्यादा पूरे देश में हल्ला मच गया कि शाम को चिदंबरम आए टेलीविजन पर, हाथ जोड़ के माफी मांगी, कहा मेरा इंटेंट ये नहीं था। क्या हुआ? जैसे वैष्णो देवी माता है, साईं बाबा मंदिर है, तिरुपति बाला है, इन सब के ट्रस्टीज टेलीविजन पे आ गए, वे थे व्हाट इज दिस चिदंबरम सेइंग, कि ये जो हमारे मंदिरों में पैसा आ रहा है ये सारा ब्लैक मनी कन्वर्ट कर रहे हम लोग। दे सेड जो धर्म के नाम पे दान होता है वो तो कोई अपना नाम देता ही नहीं है, कोई रसीद भी नहीं लेता, लोग तो श्रद्धा के कारण कोई मनोकामना पूरी हो गई पैसा डाल के चले जाते हैं, चढ़ा के चले जाते हैं। सो व्हाट इज दिस नॉनसेंस टॉकिंग अबाउट कि ब्लैक मनी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। चिदंबरम उसी शाम टेलीविजन पर आए, कहा मुझसे गलती हो गई, मेरा इंटेंट ये नहीं था। ही सेड हम बजट चेंज कर रहे हैं, रेस्ट अश्योर्ड अगर आप रिलीजियस ट्रस्ट हैं ये सेक्शन नहीं लगाएंगे हम आपके ऊपर, अगर आप प्योरली रिलीजियस ट्रस्ट हैं तो ये अमेंडमेंट्स नहीं लगाई जाएंगी, अनोनमस डोनेशंस पर नॉर्मल लॉ लगेगा, 15% एडहॉक, 85% स्पेंड करिए, वो सब लॉ लगेगा आपको, हम कोई चेंज नहीं कर रहे। एंड ही सेड आपको जो भी इनकन्वीनियंस हुई उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, हमारा ये इंटेंट नहीं था। ओके, अब ये लॉ लगेगा अगर आप प्योर चैरिटेबल ट्रस्ट है, मतलब स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, वहां डोनेशन बॉक्स में पैसा आया, अनोनमस है, नाम नहीं बताया आपने किसका है, दान पेटी में को डाल के चला गया, तो इस पर हम इन डोनेशंस पर 11-12 नहीं देंगे आपको, इसे सीधा 30% में टैक्स करेंगे। ठीक,
अगर आप चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट दोनों हैं, यानी मंदिर भी चलाते हैं स्कूल भी चलाते हैं, मंदिर भी चलाते हैं स्कूल भी चलाते हैं, अगर मंदिर की तरफ पैसा आ रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर स्कूल पैसा अनोनिमस डोनेशन आ रही है विद अ डायरेक्शन ये स्कूल को जाएगी, हंसिए मत, हंस रही है, बात करते हो आपसे, बात करते हो आपसे, सो जस्ट इस बात पे हंस रहे हैं, बट लॉ यही है। अभी पूछते हैं ये हंस क्यों रहे हैं, एक मिनट। सो अगर आप प्योर चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, यानी सिर्फ स्कूल चलाते हैं सिर्फ हॉस्पिटल चला रहे हैं, उस केस में अनोनिमस डोनेशन आई हम टैक्स करेंगे, नॉर्मली 30% टैक्स करेंगे, 11-12 नहीं मिलेगा, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आपने स्कूल में डोनेशन बॉक्स रखा, कहा इसमें पैसा आया अनोनिमस है, हम ये मान रहे ट्रस्टी ने कन्वर्ट किया है। हॉस्पिटल में डोनेशन बॉक्स रखा, आपने कहा जी खोला हमने इतना पैसा मिला तो हम मान रहे अनोनिमस है, मान रहे कि ट्रस्टी ने डाला होगा। बट अगर आप दोनों काम कर रहे हैं, अच्छा अगर सिर्फ रिलीजियस है, सिर्फ रिलीजियस है, ओनली रिलीजियस, सिर्फ मंदिर चलाते हैं, सेक्शन नहीं लगेगा, बट मंदिर भी है स्कूल भी है। अगर अनोनिमस डोनेशन आ रही है विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन डेट ये स्कूल की तरफ है तो हम ये लॉ लगाएंगे, फिर हम 30% टैक्स करेंगे उस अनोनिमस डोनेशन को, उस पर 11-12 नहीं देंगे। आप क्यों हंस रहे थे? हाउ कैन यू स्पेसिफाई दैट दिस डोनेशन इज टुवर्ड्स स्कूल और टेम्पल? बहुत सारे मंदिरों में है, बहुत सारे मंदिरों में दान पात्र पे लिखा होता है कि इस डोनेशन बॉक्स में डालेंगे आप वो कॉर्पस की तरफ जाएगा। आप दिल्ली में जो 112 फीट के हनुमान जी मंदिर है उसमें जाइएगा, डोनेशन बॉक्स एक कॉर्पस डोनेशन में लगा वहां पर, यानी जो इस बॉक्स में आएगी कॉर्पस मानी जाएंगी और बाकी टुवर्ड्स नॉर्मल टुवर्ड गॉड, यानी डोनेशन बॉक्स बता सकता है ये कॉर्पस की तरफ है ये गॉड्स की तरफ है, जनरल डोनेशन है। ये तो मैंने बताया जो रिलीजियस ट्रस्ट है वो ऐसा करती है, रिलीजियस ट्रस्ट पे तो अनोनिमस डोनेशन का सेक्शन लगता ही नहीं है, ये सेक्शन, ये एग्जांपल इग्नोर करिए, एग्जांपल इग्नोर करिए, भूलिए इस एग्जांपल को, जल्दी ले लिया मैंने एग्जांपल। ट्रस्ट मंदिर भी चलाती है स्कूल भी चलाती है, मंदिर में दो बॉक्स लगे हुए हैं, मंदिर के अंदर ही दो बॉक्स है, वो कहता है इस बॉक्स में डालेंगे इट विल गो टुवर्ड गॉड्स, इस बॉक्स में डालेंगे इट विल गो टुवर्ड स्कूल। नाउ अगर ट्रस्टी कहते हैं इस बॉक्स से हमें 1 करोड़ मिला, यानी कि अनोनिमस डोनेशन आई थी दैट इट इज फॉर द पर्पज ऑफ स्कूल, हम टैक्सेबल करेंगे अब आपको ये 1 करोड़, क्योंकि अगर वो कहते हैं मंदिर की तरफ आई है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मंदिर का पैसा मंदिर में ही लगेगा। जब कमिश्नर आपको 12AA में अप्रूव करता है वहां लिखा होता है स्कूल का पैसा स्कूल में यूज किया जाएगा, मंदिर का पैसा मंदिर में यूज किया जाएगा, आप ये पैसा यहां यूज नहीं कर सकते, ये पैसा यहां यूज नहीं कर सकते। यानी अगर आप ये प्लानिंग करें कि स्कूल की तरफ दिखा रहे हैं, तो अगर आप कभी झंडे वाली माता मंदिर जाएं, एंटर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को देखिए दो बॉक्स रखे हुए हैं, एक बॉक्स पर लिखा है जो आप दान डालेंगे झंडे वाली माता को जाएगा, दूसरे बॉक्स पर लिखा है कि इस दान पात्र में जो डालेंगे वो यूज किया जाएगा फॉर द स्कूल रन बाय झंडे वाला माता मंदिर। यानी अब ट्रस्टीज कहते हैं स्कूल बॉक्स में से इतना पैसा निकला, यानी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द स्कूल,
इस पैसे पर हम 115 बीबी से लगाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रस्ट स्कूल भी चला रही है, मंदिर भी चला रही है, स्कूल में बॉक्स रखा हुआ है, एक मंदिर में बॉक्स रखा हुआ है, कहा जी मंदिर वाले बॉक्स में आया 50 लाख, स्कूल वाले बॉक्स में आया 1 करोड़। तो इनफैक्ट चिदंबरम ने नेक्स्ट डे सेक्शन को समझाया था इसी तरह से। उसने कहा साउथ इंडिया में तो बड़ा कॉमन है कि ट्रस्ट टेंपल भी चलाती है, स्कूल भी चलाती है। एंड ही सेड मैं बड़े सारे मंदिरों में गया जहां दान पात्र दो रखे होते हैं, एक लिखा होता है देवी देवताओं की तरफ है, गॉड की तरफ है, एक पे लिखा होता है इसमें जो डालेंगे स्कूल के तो जाएगा। यानी अगर स्कूल वाले बॉक्स से आप कह रहे निकाला पैसे मैंने, फिर तो स्कूल में यूज होगा, फिर तो यानी हम ये मान रहे हैं कि आप ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि मंदिर से हमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मंदिर का पैसा मंदिर में लगेगा, वहां तो कोई अर्निंग करेगा नहीं, अर्निंग तो स्कूल से होती है, हॉस्पिटल से होती है। एक मिनट, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सारा स्कूल बॉक्स से डाल के यहां डाल दीजिए, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो कोई 115 बीबी से लगेगा ही नहीं, बिकॉज अब ये पैसा स्कूल में लग ही नहीं सकता। एम देखिए, एम क्या है, पहले बैकग्राउंड समझिए। बैकग्राउंड है कि ट्रस्टीज अपना ब्लैक का पैसा स्कूल में लगाना चाहते, मंदिर में नहीं लगाते वो लोग। तो ट्रस्टी अपना ब्लैक का पैसा स्कूल या हॉस्पिटल में लगाना चाहते हैं, बिकॉज उससे फिर बैकडोर इनकम शुरू हो जाती है उनकी। आज तो कोविड के टाइम पर अगर हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए तो लोग 1-1 लाख रुपए देने को तैयार होते हैं ट्रस्टीज को कि एडमिशन करा दीजिए, मैं एडमिशन नहीं मिल रहा। तो बेसिकली शुरू करते हैं दोबारा से, अनोनिमस डोनेशंस वो डोनेशंस होती है जहां डोनर की आइडेंटिटी नोन नहीं है। अनोनिमस डोनेशन अगर प्योर चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलती है नॉर्मल लॉ लगेगा, सेक्शन 11-12 की एग्जेम्पशन मिलेगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है। प्योरली चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलती है, मतलब जो क्या चला रहा है, स्कूल हॉस्पिटल, तो फिर तो इन अनोनिमस डोनेशंस पर 11-12 एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी और ये टैक्स होंगी एट द रेट ऑफ 30%, क्योंकि हम ये मान रहे हैं ट्रस्ट ने अपना ब्लैक का पैसा डाला होगा। ये भी क्लियर है, ट्रस्ट दोनों पर्पस के लिए बनी हुई है, रिलीजियस एंड चैरिटेबल। टेम्पल भी चलाती है, स्कूल भी चलाती है। जब कमिश्नर इस ट्रस्ट को अप्रूव करता है ना, वहां लिखता है कि टेम्पल के अलग अकाउंट्स रखे जाएंगे, स्कूल के अलग अकाउंट्स रखे जाएंगे, पैसा इधर से उधर ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब सपोज आपने कहा सारा पैसा अनोनिमस मंदिर में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मंदिर में ही लगेगा, तो 11-12 मिलेगी आपको। बट आपने कहा जी मंदिर के बॉक्स में 2 करोड़ आया, स्कूल के बॉक्स में आया 5 करोड़, इस पर हम 115 बीबी से लगाएंगे, 11-12 नहीं देंगे आपको, और इसका टैक्स करेंगे अंडर 115 बीबी सी एट द रेट ऑफ 30%। क्लियर? आप देखेंगे हॉस्पिटल के अंदर एक देवी की मूर्ति लगी होती है, बट वो मंदिर नहीं चला रहे होते, वो तो सिर्फ पेशेंट को खुश रखने के लिए बना देते हैं। बट मान लेते हैं अगर मंदिर में जो पैसा आ रहा है वहां पर मंदिर में यूज किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जहां आपने हॉस्पिटल में यूज किया अनोनिमस मान लेंगे,
सेक्शन 13 मैंने आपको बताया क्या होता है, सेक्शन 13 कहता है एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। पेज 412 सेक्शन 11-12 नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ अनोनिमस डोनेशंस। नथिंग कंटेन इन सेक्शन 11-12 शैल ऑपरेट सो एज टू एक्सक्लूड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द पर्सन इन रिसीट देयर ऑफ एनी अनोनिमस डोनेशंस रेफर्ड इन सेक्शन 115 बीबीसी ऑन विच टैक्स इज पेबल इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ दैट सेक्शन। यानी जो अनोनिमस डोनेशंस 115 बीबीसी में रेफर्ड है उस पर 11-12 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी आपको। सेक्शन 115 बीबीसी पेज 413 अनोनिमस डोनेशंस टू बी टैक्स्ड इन सर्टेन केसेस वेयर द टोटल इनकम ऑफ अ यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल अदर इंस्टीट्यूशन रेफर्ड इन 1023C। सो 1023C में कराउन एक्सलस में यूनिवर्सिटीज होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं और हॉस्पिटल्स होते हैं। और एनी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन सेक्शन 11 इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ अनोनिमस डोनेशंस द इनकम टैक्स पेबल शैल बी एग्रीगेट ऑफ। इधर देखिए यहां लिखा था 30% ऑफ अनोनिमस डोनेशंस, यहां लिखा था 30% ऑफ अनोनिमस डोनेशंस पर टैक्स देना पड़ता था और बाकी इनकम पर नॉर्मल टैक्स रेट। सरकार से कहा गया कि देखिए कुछ डोनेशंस तो वाकई में जेन्युइन हो सकती है। हॉस्पिटल में डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है, वहां कोई पेशेंट आता था डेली, मतलब हॉस्पिटल भी चलाता है ट्रस्ट, मंदिर भी चलाता है, दोनों साथ साथ बने हुए हैं। तो पेशेंट मंदिर में जाने के बाद हॉस्पिटल जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है तो वाकई में कुछ पैसा चढ़ा जाता है। यानी गवर्नमेंट से कहा गया कि आप तो कह रहे हैं सारी अनोनिमस डोनेशन ब्लैक मनी से हैं, थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन दे दीजिए। गवर्नमेंट ने कहा थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते आप 5% ऑफ टोटल डोनेशंस और ₹1,00,000 जो भी हायर है उसे हम इस सेक्शन में टैक्स नहीं करेंगे, उस पर नॉर्मल रेट लगा देंगे। ठीक, ये टोटल डोनेशंस में कौन कौन सी डोनेशंस आएंगी, सारी अनोनिमस डोनेशंस, जनरल डोनेशंस, कॉर्पस डोनेशंस, सब कुछ आएगा इसमें, सब कुछ आएगा इसमें। ठीक, सो जहां टोटल इनकम में अनोनिमस डोनेशन आ रही है देन टैक्स लगेगा आपको एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 30% ऑन द अनोनिमस डोनेशन रिसीव। फुल स्टॉप लग जाता था यहां पर, यहां फुल स्टॉप लग जाता था। अब इन्होंने क्या किया, इन एक्सेस ऑफ हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव बाय द एसएससी और 1,00,000 विच एवर इज हायर। यहां टोटल डोनेशन का मतलब क्या है,
स्टार लगाइए, मींस अनोनिमस डोनेशंस प्लस कॉर्पस डोनेशंस प्लस जनरल डोनेशंस। यानी अनोनिमस डोनेशन से क्या कम करेंगे आप, हायर ऑफ 5% ऑफ टोटल डोनेशंस और ₹1 लाख विच एवर इज हायर। अभी एग्जांपल्स करेंगे। The amount of income tax with which a assessee would have been chargeable had his total income been reduced by the aggregate of anonymous donations received in excess of the amount referred in A, B of clause 1 as the case may be. क्या मतलब हुआ? एक बात कि जो मेरा 5% of 1 lakh निकला उसपे क्या होगा? उस पर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। एक मिनट, सपोज मेरी अनोनिमस डोनेशंस हैं 15 लाख, मान लेते डोनेशन कोई और नहीं है 5%, अच्छा मेरी अदर इनकम सारी हैं 5 लाख, टोटल इनकम इज 20 लाख, अब क्या होगा? इसका 5% निकालिए 75,000 और 1 lakh विच एवर इज हायर, यानी 14 लाख पर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 30%। क्लॉज बी पढ़िए, टू क्लॉज टू, the amount of income tax with which assessee would have been chargeable had his total income been reduced by 20 lakh been reduced by the aggregate of the anonymous donations received in excess of the amount referred in A, B above. कितने से कम करेंगे 20 लाख को? 14 लाख से, यानी 6 लाख पर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, यानी जो 5% या 1 लाख विच एवर इज हायर है उस पर लॉ मेकर्स नॉर्मल टैक्स रेट लगा रहे हैं। बताइए प्लीज, सो अगर टोटल इनकम में आपकी अनोनिमस डोनेशंस आ रही हैं तो टैक्स लगेगा आपका एज अंडर अनोनिमस डोनेशंस माइनस हायर ऑफ 5% टोटल डोनेशंस और 1 lakh, उस पर 30%, फिर नॉर्मल टैक्स रेट ऑन टोटल इनकम माइनस जो अनोनिमस डोनेशंस 30% टैक्स हो गई है। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू एनी अनोनिमस डोनेशन रिसीव बाय ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड एस्टेब्लिश होली फॉर रिलीजियस पर्पस, यानी प्योर मंदिर है तो ये सेक्शन नहीं लगे। नंबर बी, provisions of subsection 1 shall not apply to any anonymous donation received by clause b trust institution created established wholly for religious and charitable purposes other than, yani agar aap mandir school dono chala rahe hain to ye section nahi lagega, other than lagega kab, other than any anonymous donation made with a specific direction that such donation is for any university, educational institution, hospital, medical institution run by such trust institution, वो जो मैंने दान पत्र बताया था आपको, यानी
अगर आप होली रिलीजियस ट्रस्ट है तो सेक्शन नहीं लगेगा, होली चैरिटेबल है तो लगेगा। अगर आप चैरिटेबल रिलीजियस दोनों हैं तो किस पर लगेगा ये? उन डोनेशंस पर जो आ रही है विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट दे आर टुवर्ड्स अ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अनोनिमस डोनेशन मींस एनी वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन वेयर अ पर्सन रिसीविंग सच कॉन्ट्रीब्यूशन डज नॉट मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द आइडेंटिटी इंडिकेटिंग नेम्स एड्रेस ऑफ द पर्सन मेकिंग सच कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सच अदर पर्टल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एनालिसिस देखिएगा, अनोनिमस डोनेशन मीन्स एनी वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन वेयर अ पर्सन रिसीविंग सच कॉन्ट्रीब्यूशन डज नॉट मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द आइडेंटिटी इंडिकेटिंग द नेम एड्रेस ऑफ द पर्सन मेकिंग सच कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स। अनोनिमस डोनेशंस आर नॉट टैक्सेबल अंडर 115 बीबीसी इफ सच डोनेशंस आर रिसीव्ड बाय ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड होली फॉर रिलीजियस पर्पसेस। देयरफॉर इन केस ऑफ अ ट्रस्ट ओनिंग अ टेम्पल द ऑफरिंग्स डोनेशंस मेड बाय द डिवोटीज एटसेट्रा शैल नॉट बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीसी इवन इफ names addresses of donors are not there. Such donations are subject to provisions of section 11 2. हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, क्या लिखा है? सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। Such donations are received by trust institution established wholly for religious and charitable purposes. However, such a donation shall be taxable under 115 BBC if the anonymous donation is made with a specific direction that such donation is for any university, school, educational institution, hospital, medical institution run by such trust institution. The objective of taxability is that practically it is found that where a trust runs a temple and say a school, then black money is routed into the school through the medium of anonymous donations. Normally, separate accounts are maintained for school and trust, temple. To fund the school building, black money is routed through the anonymous donations. समझ में आ रहा है? A trust owns a temple and a school. Separate donation box is kept in temple and school. Anonymous donation received in donation box of school are taxable under this section. Anonymous donations received in the donation box of temple are not taxable under this section. Us to the 11-12 lag jayega. Number 2. Two donation boxes are kept in the temple. One is marked for the temple. Other is marked for the school. अब जो donations आई school box में वो taxable है section में, जो temple वाले box में आई वो taxable नहीं है। Anonymous donations received by the trust wholly for charitable purposes taxable है। Anonymous donations which are taxable under 115 BBC shall not be entitled to exemption under 11-12 as per section 13-7. ये अभी छोड़ दीजिए, as per ICAI छोड़ दीजिए, अभी एक मिनट छोड़ दीजिए। To summarize, अगर holy charitable trust है 115 BBC से लग जाएगा, holy religious है नहीं लगेगा, holy religious and charitable है तो लग जाएगा। अगर डोनेशन आई है टुवर्ड्स अ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, व
और हम कह सकते हैं अनोनमस डोनेशन टैक्सेबल नहीं है, किस एक्सटेंट तक 5% टोटल डोनेशंस और 1 लाख विच एवर इज हायर। एक मचा इलस्ट्रेशन स्टडी करिए, यहां तक पहले ही पढ़ लीजिए, सिर्फ फर्स्ट पढ़ लीजिए केस वन। अनोनमस डोनेशन 6 लाख की है, आधा डोनेशन 3 लाख की है, टोटल डोनेशन 9 लाख की। अच्छा, अदर इनकम्स फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट 10 लाख, एप्लीकेशन ऑफ इनकम इंक्लूडिंग 15% एडहॉक डिडक्शन। अच्छा, इस 10 लाख में ना जनरल डोनेशन इंक्लूडेड है, इस 10 लाख में ना 3 लाख की जनरल डोनेशन इंक्लूडेड है, तो लेट मी एक्सप्लेन द फैक्ट्स टू यू। टोटल डोनेशन था 6 लाख अनोनमस, 3 लाख अदर्स। एक मिनट रुकिए जरा, नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है, ठीक है ठीक। अच्छा, अदर इनकम्स फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट 10 लाख है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम इंक्लूडिंग 15% एडहॉक डिडक्शन मैंने ये ले लिए। हमने मान लिया कि 15% एडहॉक प्लस बाकी जो एप्लीकेशन हुई है वो 5 लाख की हुई है, ठीक, यानी 10 लाख तो ये इनकम हो गई, 3 लाख ये हो गई 13 लाख। दस तीन 13 में से 5 गया 8 लाख, अनोनमस 6 लाख है, फैक्ट्स क्लियर है, रिपीट कर देता हूं, 6 लाख की अनोनमस डोनेशन है। बड़े सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी तो मैंने सिर्फ एक फैक्ट्स केस समझा रहा हूं। अनोनमस 6 लाख की है, अदर डोनेशंस कितनी है 3 लाख, अदर इनकम्स कितनी है 10 लाख। अब मैं ये मान रहा हूं कि 10 लाख प्लस 3 लाख 13 लाख हो गया, इसका 15% देखिए कितना आ रहा है, 1 लाख। और मानो मैं अप्लाइड मान रहा हूं मैं 2,05,000, ये है, ये है मेरे फैक्ट्स। ये जो 5 लाख है ना वो ऐसे निकाला है, आप देखिए क्या है, अनोनमस डोनेशन 6 लाख की हो गई, अदर इनकम्स 8 लाख की हो गई, टोटल इनकम हो गई 14 लाख। आप क्या करेंगे, 9 लाख का 5% निकालेंगे, आप कितना हुआ 45,000 और 1 लाख विच वाज हायर, ये 5 लाख टैक्स होगा 30% पर, सो 5% ऑफ टोटल डोनेशन ऑफ 1 लाख विच वाज हायर, 1 लाख आ गया। अब ये 5 लाख टैक्सेबल होगा एट 30%, बाकी कितना बचा 9 लाख, टैक्स होगा नॉर्मल रेट्स पर, क्लियर है।
दूसरा एग्जांपल देखिए, केस टू, ₹40 लाख की मेरी अदर इनकम्स हैं, ₹60 लाख की डोनेशंस हैं, 1 करोड़, 2950 अप्लाई कर दिया इंक्लूडिंग 15%, कितना बचा 70,50,000, अनोनमस है 250, टोटल इनकम है 73 लाख, अब निकालिए 6250 का 5%, 3 12 500, 1 लाख विच इज हायर, 3 12 500, अनोनमस पर टैक्स नहीं लगेगा, अनोनमस पे टैक्स नहीं लगेगा, एंड 70-50 पे लगेगा, इसे 73 लाख कर देंगे आप, 73 लाख पे नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, बताओ। केस थ्री, 50 लाख अदर इनकम्स, 70 डोनेशन जनरल, 120, 35 अप्लाई कर दिया, 85, 10 लाख या अनोनमस, 95, 80 लाख का 5%, 4 लाख, और 1 लाख बच्चों है 4 लाख, 6 लाख टैक्स करेंगे 30% पर, और 89 लाख टैक्स करेंगे नॉर्मल टैक्स रेट पर। लास्ट देख लीजिए, ठीक, अब मेरा इंस्टीट्यूट का व्यू देखिए कहां फर्क आता है। पहला केस देखिए, पहले केस में अनोनमस डोनेशन 6 लाख की है, 1 लाख को हम 115 बीबीसी में टैक्स नहीं कर रहे, तो इंस्टीट्यूट कहती जो 1 लाख है इसे नॉर्मल डोनेशन मानिए, उस पर 15% एडहॉक डिडक्शन दीजिए। इंस्टीट्यूट कहती है मैंने तो क्या किया, ये 1 लाख अदर इनकम्स में ऐड कर दिया, इंस्टीट्यूट कहती है इस 1 लाख की जो डोनेशन जो टैक्सेबल नहीं है 115 बीबीसी में, इसे नॉर्मल डोनेशन मानिए और इस पर 15% एडहॉक डिडक्शन मिल जाएगी आपको। नहीं, ऊपर इस पे नहीं दी ना, इस पे नहीं दी, मैंने सारे एग्जांपल्स इंस्टीट्यूट के हिसाब से चेंज कर दिए। Why to fight? हाँ ठीक है, मैं मान रहा हूं, ठीक है, गलती मान ली मैंने अपनी, मतलब लेट्स देखिए, हमें अल्टीमेटली एग्जाम क्लियर करना है। एस पेज 414, एस पर आईसीएआई The anonymous donation to the extent not taxable at 30% under 115 BBC, that is 5% of total donations of 1 lakh, whichever is higher, are eligible for deduction of 15% and are taxable at normal rates. तो अब मेरे एग्जाम्पल में कैसा चेंज होगा देखिए, 8 लाख केस वन प्लस 1 लाख माइनस 15% ऑफ 1 लाख ले लेंगे, आ रहे समझ में? इसी तरह मैंने कहा केस टू में भी हो जाएगा,
चेक करिए एक मिनट, सो ब्रेक में जाने से पहले क्वेश्चन करते हैं, पेज 438 पर आइएगा, पेज 438 क्वेश्चन 26, मथी चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA, 12AA, 12AB सेम, फॉलोइंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंट है ये कैश सिस्टम फॉलो कर रही है, यानी इनकम कैश बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती है, एक्सपेंडिचर्स भी कैश बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ग्रॉस रिसीट फ्रॉम हॉस्पिटल बाय द नेम ऑफ फुल क्योर 400 लाख, ग्रॉस रिसीट फ्रॉम कॉलेज बाय नेम ऑफ इंडिया आर्ट्स कॉलेज 180 लाख, ऑफरिंग रिकॉग्नाइज डिग्री कोर्सेस, कॉर्पस डोनेशंस बाय चेक 30 लाख मिली हैं, बाय कैश 5 लाख मिली है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर बाय कैश मिल रही हैं तो वो भी कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट होंगी, अनोनिमस डोनेशंस बाय कैश 10 लाख, इस पर 115 BBC लग जाएगा, सो टोटल डोनेशन कितनी हो गई, 30 + 5 = 35 और 10 = 45, 45 लाख का 5% कितना हुआ, 2.25, और 1 लाख विच एवर इज हायर, सो 2.25 लाख अनोनमस डोनेशंस 115 BBC में टैक्स नहीं होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर हॉस्पिटल 220 लाख, फॉर कॉलेज 100 लाख, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे इसे आप, फीस नॉट रियलाइज फ्रॉम पेशेंट्स 2060 एंड फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज 650 ऑन 31 मार्च 2022, ये इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है, बेसिकली एग्जामिनर आपको सोचने में मजबूर कर रहा है कि जो पैसा नहीं मिला उसके लिए आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि मैं अगले साल में अप्लाई करूंगा, बट यहां डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है बिकॉज कैश सिस्टम फॉलो कर रही है ट्रस्ट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स ऑफ द ट्रस्ट 18 लाख, एंटायर कॉस्ट ऑफ द एसेट्स वॉज क्लेम्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन अर्लियर ईयर्स, डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, एक्वायर्ड अ बिल्डिंग फॉर 120 लाख ऑन 1/6/21 फॉर एक्सपेंशन ऑफ हॉस्पिटल, कॉस्ट ऑफ लैंड इज 100 लाख, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लीजिए, यहीं से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज 140 लाख, तो 20 लाख आपकी इनकम बन जाएगी, 20 लाख आपकी इनकम बन जाएगी, नहीं बनेगी, आपने पेज 246 पे पढ़ा था 0.7, मैंने ठीक भी कराया था ये कि 56 to 10 नहीं लगता, फ्रॉम बाय एनी प्रॉपर्टी और मनी रिसीव फ्रॉम और बाय एनी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर 12AA or 12AB, सो 20 लाख इनकम बन जाती, बट बिकॉज ऑफ 56 to 10 इनकम नहीं बनेगी आपकी, द ट्रस्ट गेव डोनेशन ऑफ 25 लाख टू गांधी जी फ्री ट्रस्ट हैविंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ चैरिटेबल नेचर रजिस्टर्ड अंडर 12AB बट नॉट सिमिलर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डोनर ट्रस्ट, अगर मैं दूसरी ट्रस्ट को डोनेशन देता हूं जो 12AB या 1023 में रजिस्टर्ड है तो एप्लीकेशन मानते हैं, उस ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स क्या है, दैट इज इररेलेवेंट, अब आपको इनकम निकालनी है ट्रस्ट की, तो देखिए इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने किस क्लेवरनेस से आपसे सारे कंसेप्ट पूछ लिए,
पेज 440 पर देखिए टोटल डोनेशन है मेरी 45 लाख, उसका 5% 2.25 लाख और 1 लाख विच एवर इज हायर 2.25 लाख, तो 7.75 लाख अनोनमस डोनेशन टैक्सेबल होंगी। और इस 2.25 डोनेशंस को इंस्टीट्यूट कहते हैं कि आप नॉर्मल डोनेशन मानिए, इस पर 15% एडहॉक डिडक्शन दीजिए। पेज 439, 4 करोड़ की मेरी रिसीट्स है हॉस्पिटल से, 1,80,00,000 की रिसीट्स है कॉलेज से, अनोनमस डोनेशन जो नॉर्मल रेट पर टैक्स हो रही है उसे हम नॉर्मल डोनेशन मानेंगे एज पर ICI, ये मेरा टोटल आ गया। इसका 15% एडहॉक एग्जेम्प्ट है, ये मेरे एक्सपेंडिचर्स हुए एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, लैंड बिल्डिंग मैंने खरीदा एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, डोनेशन टू गांधी जी ट्रस्ट एप्लीकेशन मानेंगे इवन दो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट आर नॉट सिमिलर, ये एप्लीकेशन हो गई। अकॉर्डिंगली ये इनकम है जो नॉर्मल रेट पर टैक्स होगी और 775 टैक्सेबल होंगे 115 BBC में एट 30%, टोटल इनकम इज 3766250। अकॉर्डिंगली टैक्स निकाल देंगे आप 775 अनोनमस पर 30% और 2991250 पर नॉर्मल टैक्स रेट्स यूजिंग द स्लैब्स, क्लियर है। इसका नोट नंबर 3 मैं आपको ब्रेक के बाद समझाऊंगा कि कॉर्पस डोनेशंस रिसीव बाय चेक और कैश आर नॉट इंक्लूडेबल इन टोटल इनकम, इट इज प्रिज्यूम दैट कॉर्पस डोनेशन हैव बीन इन्वेस्टेड एज पर 11(5), ये अमेंडमेंट आई है जो मैंने आपको कराई नहीं अभी तक, क्लास के एंड में कराऊंगा। चलिए बैलेंस ब्रेक के बाद करते हैं। PG Learning Destination with content partner Packer presents the Certified Management Accountant Program CMA. Be a part of the change. Live online and recorded classes. Contact cma@vgldi.com. Who doesn't want to give wings to their career across the globe? ACCA is a trusted qualification for skilled professionals. With no aggregation, no grouping, and with exams every quarter, ACCA ensures faster progression in your career. Now, here's the silver lining. You may gain exemptions in ACCA on the basis of your present received. Jahan name, addresses, PAN number of donors are not there, yani anonymous ho gayi. Option exercised under subclause 2 of clause 2 of explanation to 11(1)(250). 11(2) have 450. Corpus donation received, where name, address, PAN number of donors are given. Corpus donation received, where names, addresses or PAN number of donors are not given. Jashan, jo aap pooch rahe the. Agar ye holy charitable trust hai, sirf school chalate hai, ये वाली अनोनमस हो गई 550, व्हाट वाज दिस 225, बट कॉर्पस डोनेशंस तो एग्जेम्प्ट होती हैं। किस सेक्शन में एग्जेम्प्ट होती हैं? 11(1)(b). अनोनमस डोनेशन पे सेक्शन 13 क्या बोलता है? 11(12) मिलेगा ही नहीं, 11(12) मिलेगा ही नहीं। देयरफॉर ये वाली कॉर्पस डोनेशंस एग्जाम नहीं होंगी, बिकॉज एग्जेम्प्शन तो 11(1)(b) में मिलती है। तो 10 लाख की मेरी जनरल रिसीट्स, 4 लाख की मेरी नॉर्मल डोनेशंस, अच्छा मेरी अनोनमस डोनेशंस कितनी हैं? 775। एंड व्हाट आर द टोटल डोनेशंस? 775 प्लस 150 925 प्लस 4 1325,
उसका 5% कितना हुआ, 60 समथिंग, और 1 लाख, 1 लाख इसमें से नॉर्मल रेट पे टैक्स होगा। तो मैंने वो वाला 1 लाख इंस्टीट्यूट का व्यू फॉलो करके यहां ऐड कर दिया, ठीक है। कॉर्पस डोनेशंस एग्जेम्प्ट है 11(1)(b) में, 15% एडहॉक अप्लाइड जो दिया हुआ है आपको वो कर दिया, और फिर अनोनमस डोनेशन ऐड कर दी 775 के, 10-15 कम आ गई, 775 को 30% टैक्स करेंगे, और 275 पर 250 एग्जेम्प्ट, 25,000 पर 5%। एक मिनट, कुछ गलती हो गई यहां पर, यहां गलती हुई है। अनोनमस डोनेशन 775 की जगह होगा यहां पर 675, ये हो जाएगा आपका 6-2-8 950। टैक्स देखिए हमने सही लगाया नहीं, नहीं टैक्स भी सही नहीं लगाया। अनोनमस 675 बैलेंस इनकम कितनी हो जाएगी, 2,70,000, ये हो जाएगा 25×5=1,250, टू लैख 11,850, अगर ये होली रिलीजियस ट्रस्ट होती फिर क्या होता, फिर तो अनोनमस डोनेशन जो हैं वो नॉर्मल मानी जाएंगी, 10, 4, 550। कॉर्पस डोनेशन दोनों एग्जेम्प्ट हैं, अनोनमस एज वेल एज नॉन अनोनमस, 1950, 15% एडहॉक। एक्सपेंसेस देखिए जो इनकर किया, 3 लाख, 250, 450, 657। टैक्स एट नॉर्मल रेट निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका, देख लीजिए आप कितना है, 75, 25,000 का 5% लेंगे ना, अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी, एक मिनट पहले ये से देख लीजिए, ये देख लीजिए ठीक है या नहीं, इसका टैक्स देखिए चेक करिए एक मिनट, ठीक है या नहीं, 657,500, 12,500 और 157,500 में निकालिए 20%, सही है, ऊपर ठीक करिए, टैक्स ऑन 275 होगा, 1,250 नहीं होगा, 1,250 प्लस 4% और होगा, कितना आता है ये, 1,300, 1,300, 1,300। एंड टैक्स बिकम्स 2,11,900। क्लियर है, ओके। पेज 406 पर आइए, सेक्शन 13 क्या होता है, एग्जेम्पशन 11 की नहीं मिलेगी इन केसेस में,
page 406, exemption under 1112 shall not be available for the following incomes. 13(1)(a), मैंने एक ट्रस्ट बनाई, उसमें मंदिर है, मंदिर में से मेरी फैमिली वाले जा सकते हैं, बाहर वाले नहीं जा सकते, क्या इस ट्रस्ट को एग्जेम्पशन मिलेगा? नो। आपकी ट्रस्ट होनी चाहिए किस पर्पस के लिए? पब्लिक पर्पस। सो एंटायर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पसेस विच डज नॉट एन्योर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, इनकम सारी टेक्नोलॉजी की ट्रस्ट की। नेक्स्ट, नहीं उसे फर्क नहीं पड़ता। 13(1)(b) देखिएगा, कभी आपने कोई ऐसा ट्रस्ट देखा है जिसमें लिखा हो कि इस मंदिर में सिर्फ हिंदू जा सकते हैं? ट्रस्ट में डीड में नहीं लिखा होता। कभी मस्जिद में डीड में नहीं लिखा होगा कि इस मस्जिद में सिर्फ मोमडन जा सकते हैं? गुरुद्वारा में कभी ऐसा नहीं लिखा होगा सिर्फ सिख जा सकते हैं? बिकॉज अगर ऐसी ट्रस्ट बनी, एग्जेम्पशन खत्म कर देंगे आपकी हम। एंटायर इनकम ऑफ अ ट्रस्ट 13(1)(b) क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट विल बी टैक्सेबल। 11(12) ही मिलेगा। गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ट्राइब अपने वो ट्रस्ट बना दी, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ट्रस्ट बना दी, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, विडोज के लिए ट्रस्ट बना दी, वो इस ट्रस्ट इस क्लॉज में नहीं आएंगी, उस पर एग्जेम्पशन मिलेगी आपको। ये जो एनजीओज होते हैं क्या होते हैं? ये ट्रस्ट ही तो होते हैं सारे। ये जैसे सलमान खान का एनजीओ है स्टुअर्ट स्ट्रीट चिल्ड्रन, ये सब ट्रस्ट ही होते हैं 11(12) वाले। A trust institution created, established for the benefit of scheduled castes, backward classes, scheduled tribes, women and children, shall not be deemed to be trust created, established for the benefit of particular religious community or caste, और उस पर exemption मिल जाएगी। 13(1)(d) देखिए पहले, 1(d), entire income of the trust exempt नहीं होगी अगर उसके funds क्या करते हैं आप? इन्वेस्ट कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं अदर देन 11(5) सिक्योरिटीज। 13(1)(c), 13(1)(c) से पहले 13(3) पढ़िएगा, 13(1)(c) से पहले 13(3) पढ़िए। ट्रस्ट के केस में कोई स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं, जिसने ट्रस्ट बनाई होती है उसे ऑथर बोलते हैं। ऑथर ऑफ द ट्रस्ट इज स्पेसिफाइड पर्सन, जो ट्रस्ट के ट्रस्टीज होते हैं वो स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं, जिसने डोनेशन दिया पूरे साल में 50,000 से ऊपर वो भी क्या माना जाता है? स्पेसिफाइड पर्सन। ट्रस्टीज के बच्चे relatives, they are also specified persons. So for the purpose of section 13, the following are the specified persons: the author of the trust, the founder of the institution jisne trust banayi hai, any person who has made total contribution means donation up to the end of the relevant previous year of an amount exceeding 50,000 rupees. तो 50,000 से ऊपर आपने डोनेशन दी है, देन यू बिकम अ स्पेसिफाइड पर्सन। वेयर ऑथर, फाउंडर और सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर इज HUF, मेंबर ऑफ द HUF, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, मैनेजर ऑफ द ट्रस्ट,
by what it may be called? Any relative of such author, founder, substantial contributor, member, trustee, manager, इनके relatives, या ऐसी concern जहां इन लोगों का substantial interest होता है, ठीक है, इसे याद रखना आपने, इसे याद रखना आपने। आप 13(1)(c) पढ़िएगा, अगर ट्रस्ट की कोई भी इनकम, कोई भी एसेट इन स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए यूज हो जाती है, ट्रस्ट की पूरी एग्जेम्पशन खत्म कर देंगे। अगर किसी ट्रस्टी को एम्प्लॉय रखा है आपने, उसको बिल्कुल रीजनेबल सैलरी देंगे। अगर रीजनेबल सैलरी से ऊपर दे दी, ट्रस्ट की एग्जेम्पशन खत्म कर देंगे पूरी। अब एंटायर ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी फॉर द एंटायर इनकम ऑफ द ट्रस्ट इफ एनी पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द ट्रस्ट एन्योर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड इन 13(3) और एनी प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अप्लाइड और यूज्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन रेफर्ड टू इन 13(3) देन द एंटायर इनकम ऑफ द ट्रस्ट बिकम्स टैक्सेबल। क्लियर है? देयरफॉर एंटायर इनकम ऑफ ट्रस्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर 11(12) इवन अ पार्ट ऑफ द इनकम प्रॉपर्टी इज यूज अप्लाइड ड्यूरिंग द रेलेवेंट ईयर फॉर द बेनिफिट इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट एंड अदर पर्सन रेफर इन 13(3)। क्लियर? अब क्या हुआ देखिए, 13(2) छोड़ दीजिएगा, 13(2) छोड़ दीजिए। 13(2) में लिखा हुआ है कि कब माना जाएगा कि इनकम बेनिफिट ऑफ ट्रस्टी के लिए यूज हो गई है, छोड़ दीजिए, इसे सेफली कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ देखिए, मैंने स्कूल बनाया, इस बात करिए डीपीएस स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली में जो है, वहां ट्रस्टीज के बच्चे होते हैं, उनको फ्री में एडमिशन दिया जाता है, उनसे कुछ पैसा ट्यूशन फीस चार्ज नहीं करते। नॉर्मल है, बड़ा कॉमन कि जिस स्कूल में ट्रस्टीज के बच्चे पढ़ते हैं, ट्रस्टीज के बच्चे जिस मतलब स्कूल है उसके ट्रस्टीज हैं, ट्रस्टीज के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल उनसे फीस नहीं लेता। बताइए बच्चे जो है ट्रस्टीज के स्पेसिफाइड पर्सन में आ जाएंगे या नहीं? आ जाएंगे। 13(1)(c) वायलेट हो गया, 13(1)(c) वायलेट हो गया। हॉस्पिटल है ट्रस्ट, हॉस्पिटल के ट्रस्टी है, ट्रस्टीज का उनके बच्चों का फैमिली का फ्री ऑपरेशन किया जाता है, 13(1)(c) लग जाएगा, पूरी एग्जेम्पशन खत्म हो गई, पूरी एग्जेम्पशन खत्म हो गई। अनजस्टिफाइड है, क्योंकि ये तो बड़ा कॉमन है कि हॉस्पिटल के ट्रस्टीज की उनकी फैमिली मेंबर्स के फ्री ट्रीटमेंट की जाती है, बड़ा कॉमन है कि स्कूल में ट्रस्टीज के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, उस वजह से एक बच्चे की वजह से पूरे स्कूल की एग्जेम्पशन खत्म हो गई। एंड देयरफॉर पेज 407 पे 13(2) छोड़ दीजिए, 13(2), 13(6) देखिए क्या कहता है। मैं आपको बता दूं मेरे क्या कह रहे हैं, सुनिए सुनिए। सेक्शन 13(2) बोलेगा कि हम 13(1) को ओवरूल कर देते हैं। 13(1) में लिखा है ना कि ट्रस्ट की कुछ भी इनकम या एसेट स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए यूज हो गया तो
तो एग्जेम्पशन खत्म कर देंगे, 13(1) को हम ओवररूल कर देते हैं। ट्रस्ट की इनकम, ट्रस्ट की एग्जेम्पशन सिर्फ इसलिए खत्म नहीं की जाएगी, ट्रस्ट की एग्जेम्पशन सिर्फ इसलिए खत्म नहीं की जाएगी कि स्पेसिफाइड पर्सन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेज, हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन में फैसिलिटीज दी गई है फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशन रेट। सो 13(6) 13(1)(c) को ओवररूल कर देता है और कहता है कि ट्रस्ट जो क्या काम करती है, हॉस्पिटल है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल कॉलेज है, उसकी एग्जेम्पशन सिर्फ इस ग्राउंड पर खत्म नहीं करेंगे हम कि उसने स्पेसिफाइड पर्सन को फ्री में या कंसेशन रेट पर सर्विस दी है। और हाथ की हाथ सेक्शन 12 में लिख दिया इन्होंने कि जो सर्विसेज दी गई हैं स्पेसिफाइड पर्सन को, सपोज स्कूल की ट्यूशन फीस है पूरे साल की 2 लाख की, ठीक है, ट्रस्टी के बच्चे से ये नहीं चार्ज किया गया, बट ये 2 लाख हम क्या करेंगे अब ट्रस्ट की इनकम में ऐड कर देंगे और इस 2 लाख पर 11 एग्जेम्पशन नहीं देंगे आपको, इस 2 लाख पर। सेंसिबल है, सेंसिबल है। सो लॉ ये बना कि 13(6) लाया गया जो कहता है कि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन की एग्जेम्पशन सिर्फ इस ग्राउंड पे खत्म नहीं करेंगे हम कि उसने फ्री में या कंसेशन रेट पर सर्विसेज दिए स्पेसिफिक पर्सन को। 12(2) ले आए कि जो फ्री में या कंसेशन रेट पर सर्विस दी गई उसकी मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए, वो ट्रस्ट की इनकम में ऐड कर दीजिए, उस पर 11 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उस वाली इनकम पर 2 लाख पर। आ रहा है समझ में आपको? नहीं नहीं, आपने जब पे ही नहीं किया तो एटीसी कहां से मिलेगा? सिर्फ ट्रस्ट की इनकम में ऐड कर देंगे। देखिएगा पेज 406, पहले पेज 406 सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 देखिएगा। पेज 406 सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 द वैल्यू ऑफ एनी सर्विसेज बिंग मेडिकल educational services made available by any charitable trust, religious trust, owning a hospital, medical institution, educational institution to any person referred in 13(3) shall be deemed to be the income of such trust institution derived from property held under trust wholly for charitable religious purposes during the previous year in which the services were provided and shall be chargeable to tax notwithstanding the provisions of section 11 means 11, 11. इस पर सेक्शन 11(1), 11(2) नहीं मिलेगा। एंड वैल्यू मींस वैल्यू शैल बी द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट फैसिलिटी ग्रांटेड प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशन रेट टू द पर्सन्स रेफर्ड इन 13(3). बताइए प्लीज, 408 पर आइए। सेक्शन 13(6) पढ़िए, द
denial of exemption under 11, notwithstanding anything contained in 13.1, 13.2, यानी 13.1C को ओवरूल कर रहे हैं, बट विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजन ऑफ 12.2 लगा देंगे हम, 12.2 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हम. इन द केस ऑफ अ चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट ओनिंग रनिंग अ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन और अ हॉस्पिटल, द एग्जेम्पशन ऑफ 11.12 शैल नॉट बी डिनाइड इन रिलेशन टू इनकम अदर देन इनकम रेफर्ड इन 12.2 बाय द रीजन ओनली डेट सच ट्रस्ट हैज प्रोवाइडेड एजुकेशनल मेडिकल फैसिलिटीज टू पर्सन्स रेफर्ड इन 13.3. इसका एनालिसिस पढ़िए. सेक्शन 13.1 कहता है एंटायर इनकम ऑफ ट्रस्ट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट इवन इफ पार्ट ऑफ द इनकम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट इज यूज्ड अप्लाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन रेफर इन 13.3. सेक्शन 13.6 प्रोवाइड्स दैट चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट रनिंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेडिकल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल शैल नॉट बी डिनाइड द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन 11.12 इन रिलेशन टू एनी इनकम बाय द रीजन ओनली डेट सच ट्रस्ट हैज प्रोवाइडेड एजुकेशनल मेडिकल फैसिलिटीज टू द स्पेसिफिक पर्सन. सिर्फ इस ग्राउंड पर एग्जेम्पशन नहीं खत्म करेंगे आपकी हम. और 12.2 क्या कहता है कि उसको हम इनकम में ऐड कर देंगे, उस पर एग्जेम्पशन नहीं देंगे. 0.3 इसका क्रक्स है. देखिए इन सिंपल वर्ड्स, the provisions of section 13.1c and 13.2 shall not apply to deny the exemption under 11.12 to the entire income of the charitable religious trust running an educational institution or a medical institution or hospital where such trust has provided educational medical facilities to specified persons in 13.3. however, only debt value of facility provided shall be chargeable to tax विदाउट एनी एग्जेम्पशन अंडर 11.1 एंड 11.2 कर दीजिए. क्लियर है? अब आप इधर देखिएगा. आप पेज 409 पर हैं. ये जो लंबा चौड़ा लॉ देख रहे हैं ना, पूरी हिस्ट्री सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा. चैरिटेबल पर्पस डिफाइन किया इन्होंने, रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट of general public utility. So charitable purpose law में defined है, था in fact, that it means includes relief of poor, education, medical relief, और चौथा लिम था एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. पूरी आपको स्टोरी सुना रहा हूं ताकि समझ में आ जाए है क्या ये. एजुकेशन का मतलब क्या होता है? वो एजुकेशन विच लीड्स टू अ डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट.
स्कूल्स हैं वो एजुकेशन देते हैं, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें नहीं आता, बिकॉज एजुकेशन मीन्स व्हाट लीड्स टू अ डिग्री रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें नहीं आते। मेडिकल रिलीफ में आ जाता है अस्पताल हॉस्पिटल्स। अब क्या हुआ, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ट्रस्ट बनाई, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ट्रस्ट बनाई। मैंने भी एक साल ऐसा किया था बट मैं नेक्स्ट ईयर फिर बंद कर दिया था। सो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ट्रस्ट बनाई, कोचिंग दी बच्चों को, कहा ठीक है हम ना तो रिलीफ ऑफ पुअर में आ रहे, ना एजुकेशन में आ रहे, ना मेडिकल रिलीफ में आ रहे, हम इसमें आ जाते हैं। हम तो एडवांसमेंट कर रहे हैं एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, इसमें आ जाते हैं। और जो कोचिंग से पैसा आया उससे 11-2 में एग्जेम्पशन ले ली, कहा कि हम एक स्कूल बनाएंगे, स्कूल के लिए लैंड खरीदेंगे, 5 साल पैसा एक्युमुलेट कर दिया। बहुत ज्यादा न्यूसेंस हो गई थी। सो जितने मेडिकल कोचिंग वाले हैं, आईआईटी कोचिंग वाले, सीए कोचिंग में मैं था जो मैंने किया था एक साल बट बंद कर दिया था, फिर सब ने ऐसा किया था, इन्होंने अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट यहां नहीं आई, अमेंडमेंट यहां नहीं आई, अमेंडमेंट यहां नहीं आई, अमेंडमेंट सिर्फ यहां पर आई कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी और आप पब्लिक से पैसा चार्ज करते हैं कमर्शियल बेसिस पर, आप पब्लिक से पैसा चार्ज करते हैं कमर्शियल बेसिस पर, तो आप चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं रहेंगे, यू सीज टू बी चैरिटेबल ट्रस्ट। इट इज इमेटीरियल कि कोचिंग का पैसा आप स्कूल बनाने में लगाएंगे, कोचिंग का पैसा आप हॉस्पिटल बनाने में लगाएंगे, दैट इज इमेटीरियल। सो लॉ में आया प्रोवाइडेड एट एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी शैल नॉट बी चैरिटेबल पर्पस इफ इट इन्वॉल्व्स द कैरिंग ऑन ऑफ एनी एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स बिजनेस और एक्टिविटी ऑफ रेंडरिंग एनी सर्विस कोचिंग क्लासेस इन रिलेशन टू ट्रेड कॉमर्स बिजनेस फॉर असेस फी अदर कंसिडरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर यूज एप्लीकेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटी। बेसिकली इनका एम था उस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट को अटैक करना, क्योंकि पैसा कमा रही है और टैक्स नहीं दे रही है, इसलिए अमेंडमेंट सिर्फ इस लिम में आई कि अगर आपका यह ऑब्जेक्ट है और आप लोगों से फीस चार्ज कर रहे हैं कमर्शियल बेसिस पर, ट्रेड बिजनेस की तरह काम कर रहे हैं, तो यू सीज टू बी अ चैरिटेबल ट्रस्ट, चाहे आप इसका पैसा हॉस्पिटल बनाने में लगाएं, स्कूल बनाने में लगाएं, इमेटीरियल। यानी अमेंडमेंट आने के बाद भी स्कूल्स कमर्शियल बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं, कर रहे हैं आज। जितने पब्लिक स्कूल्स होते हैं जीडी गोयनका वगैरह सब 11-12 में एग्जेम्पशन लेते हैं और इस क्लॉज में आते हैं। हॉस्पिटल्स भी आप देखिए बड़ा हेफ्टी चार्जेस ले रहे हैं। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल है,
जबरदस्त चार्जेस ले रहा है बट 11-12 में एग्जेम्पशन क्लेम करता है, तो गवर्नमेंट कहती है यहां पर कमर्शियल बेस पे चार्ज करेंगे हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, यहां पर चार्ज करेंगे ऑब्जेक्शन नहीं है, बट यहां पर हम आपको चैरिटेबल नहीं मानेंगे। क्लियर? अब उठ के आए बाबा रामदेव, उन्होंने कहा मैं तो किसी में नहीं आ रहा, मैं तो इसमें आ रहा हूं। और बाबा रामदेव योगा कराते हैं। योगा आपने सुना होगा कि हरिद्वार वगैरह में जो भी आश्रम है वहां पर रेजिडेंशियल कोर्स करते हैं, कमर्शियल बेसिस पे चार्ज करते हैं, तो वो भी हिट हो गए थे। बट सिंस बाबा रामदेव इज पॉलिटिकल कनेक्टेड, उन्होंने योगा ऐड करा दिया। चैरिटेबल पर्पज इंक्लूड्स योगा। इसमें भी अगर आप कमर्शियल बेसिस पर चार्ज करेंगे यू स्टिल रिमेन टू बी चैरिटेबल। फिर क्या दिक्कत हुई? कुछ ट्रस्ट हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर सरकारी ऑफिसर्स के हाथ में दे दे वो तो ब्राइब लेने का काम करते हैं, जो मर्जी परमिट कर देंगे वहां पर। तो इन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाटरफॉल्स वगैरह कुछ प्राइवेट ट्रस्ट को दे दिए कि आप इनको क्लीन रखिए, मेंटेन करिए और पब्लिक से आप कमर्शियल बेसिस पे चार्ज कर लीजिए। जैसे आज आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएंगे तो वहां जो ट्रस्ट होगी वो कहेगी जी हम आपकी गाड़ी नहीं जाने देंगे, हमारी सफारी चलेगी, हमारी जीप चलेगी और जीप में हम पर्सन 2000 चार्ज करेंगे, आप पानी बाहर से नहीं ला सकते, पानी हमसे लेंगे 40 रुपये बॉटल जबकि 10 रुपीज बॉटल मिलता है। वो कहते हैं सफारी में हम फूड आउटसाइड अलाउ नहीं करते, हमारा फूड लेना पड़ेगा आपको, कमर्शियल बेसिस है। ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रस्ट बनी, ताजमहल, रेड फोर्ट वगैरह के लिए ट्रस्ट बनी। ये भी आप देखते हैं फॉरेन टूरिस्ट से बड़ा हेफ्टी चार्जेस लेती है। अब ये सारी ट्रस्ट जो थी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, दिस वाटरफॉल्स वगैरह, वो तो इसी में आ रही थी। और इस अमेंडमेंट की वजह से एंड देवर चार्जिंग ऑन कमर्शियल बेसिस, तो इस अमेंडमेंट की वजह से वो लोग भी हिट हो गए, उनको टैक्स लग जाएगा। उन ट्रस्ट ने गवर्नमेंट से कहा हम तो आपके लिए काम करते हैं, हमारे पास और बहुत है बिजनेस करने के लिए, अगर आप एग्जेम्पशन खत्म करें हम बाहर जा रहे हैं, अपने आप संभालिए। एंड देयरफॉर इन्होंने दो लिम्स और एड किए यहां पर। चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स, पहले था रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, योगा ऐड किया और देखिए क्या ऐड किया, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटर शेड्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ये ऐड कर दिए, एन एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। यानी अब लिम हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिम हो गए। जो फर्स्ट 6 लिम है वहां आप कमर्शियल बेसिस पे भी चार्ज करेंगे तो क्या होगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगी, यू रिमेन टू बी चैरिटेबल, यू रिमेन टू बी चैरिटेबल। सिर्फ आखिरी लिम में यू सीज टू बी चैरिटेबल इफ यू आर कैरिंग द एक्टिविटी इन कमर्शियल नेचर। क्लियर हो रहा है? अब इन वाली ट्रस्ट ने भी गवर्नमेंट से रिलैक्सेशन मांगी कि अगर हम इंसिडेंटली कुछ चार्ज कर लेते हैं किसी किसी पर्सन से
तो हमारी पूरी एग्जेम्पशन तो मत खत्म करिए आप। एक्सेप्शन आ गई कि जो टोटल रिसीट्स है, जो टोटल रिसीट्स है उसका मोर देन 20% अगर कमर्शियल रिसीट्स है फिर आप चैरिटेबल नहीं कराएंगे, बट टोटल रिसीट्स का अगर 20% तक कमर्शियल रिसीट्स है तो हम स्टिल आपको चैरिटेबल मानेंगे और उस कमर्शियल पोर्शन पे भी एग्जेम्पशन दे देंगे आपको। क्लियर हो रहा है? आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा सर। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को मालूम है कि एजुकेशन हॉस्पिटल सारे जबरदस्त प्रॉफिटेबल वेंचर्स हैं, टैक्स क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अगर आपको मालूम है ये जितने बड़े स्कूल्स हैं, जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन्ड बाय द पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया, वही लॉ बनाते हैं। योगा क्यों निकाल दिया? बाबा रामदेव इन्फ्लुएंशियल है। सेक्शन 215 डिफाइंस चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, medical relief, preservation of environment including watersheds, forest, wildlife, preservation of monuments, places, objects of artistic historic interest, advancement of any other object of general public utility. ये सारी amendments किसके लिए आ रही हैं? last limb के लिए। Provided that the advancement of any other object of general public utility shall not be a charitable purpose if it involves the carrying on of an activity in the nature of trade, commerce, business, or activity of rendering any service in the nature of trade, commerce, business, or activity of rendering any service in relation to any trade, commerce, business for a cess fee or any other consideration. Irrespective of the use, application, retention of the income from such activity, unless exceptional again. Such activities undertaken in the course of actual carrying out such advancement of any other general public utility, yani hum aapko charitable maan lenge agar commercial activity kya hai, it is incidental to carrying out द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी एंड क्या है, एग्रीगेट रिसीव्ड फ्रॉम सच एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डू नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल रिसीव्ड ऑफ द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन अंडरटेकिंग सच एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी 100 लाख की रिसीट है, 20 लाख कमर्शियल रिसीट्स है, you still remain to be charitable, but जहां 21 हो गई you cease to be charitable. Clear? देखिए पहले योगा इसमें आता था, अभी भी जो विडोज की अपलिफ्टमेंट है वो इसमें आ जाएगी। विडोज की अपलिफ्टमेंट ना तो रिलीफ ऑफ पुअर है, ना एजुकेशन है, ना मेडिकल रिलीफ है, ना योगा है, ना प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, वाटरफॉल्स वगैरह है, दैट विल कम इन द लास्ट। यस, जो आपने मार्केट रेट पे चार्ज किया है, करेक्ट। सो चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स, ये मैंने 7 ले लिए,
अमेंडमेंट किसके लिए है? लास्ट लिम के लिए. इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट इज, मैंने पहले 6 ले लिए, क्या मिसिंग है? एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक इज मिसिंग है. देन इफ द ट्रस्ट इज चार्जिंग ऑन कमर्शियल बेसिस फॉर द अबव एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल चार्जिंग फीस फ्रॉम स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड चार्जिंग फीस फ्रॉम पेशेंट्स ऑन कमर्शियल बेसिस, देन ट्रस्ट इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड received from such activities even on commercial basis is eligible for exemption 11-12. Proviso to 215 is not applicable here. ये बात CBDT ने भी clarify कर दी. The advancement of any other object of general public utility shall not be charitable purpose if it involves carrying on. वही मैंने break करके दिया, वह break करके दिया सारा ये. However, the carrying of commercial activities shall still be regarded as charitable purpose if such commercial activity is incidental and aggregate receives from such activity does not exceed 20% of the total receipts. Therefore, if a trust whose main object is advancement of any other object of general public utility carries on commercial activities which is not related to the main object of the trust and uses the profits of the commercial activity for building a hospital, then it is not a charitable trust and it cannot argue that it is carrying commercial activity for advancement of any other object of general public utility. The use of profit from commercial activity in the hospital is of no avail. The trust becomes non-charitable even if the amount received from the commercial activities not related to main objects is insignificant. अगर incidental नहीं है तो. However, अगर commercial activity incidental है main object के, trust charitable रहेगी अगर aggregate receipts from the commercial activities do not exceed 20% of the total receipts. एक ट्रस्ट बनी फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, रिसीट्स ये है कॉर्पस डोनेशंस, जनरल डोनेशंस. अब 20% में किसका लूंगा? टोटल रिसीट्स का इंक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशंस 15. अब कमर्शियल रिसीट्स कितनी है ट्रस्ट की? 15 ही है ना. Since commercial receipts are related to main object and do not exceed 20% of the total receipts, the trust remains to be charitable trust. Corpus donation 20 lakh exempt hai or 55 lakh taxable hai, but will be exempt under 11-12 subject to the fulfillment of the conditions. Suppose commercial receipts 40 lakh hoti, fir kya hota? Total receipts hoti 100 lakh, uska 20% 20 lakh hai. अब ट्रस्ट को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी फॉर 100 लाख रुपीस. एग्जाम्पल 1, ये ट्रस्ट बनी है, ये टूरिस्ट से चार्ज कर रही है एंट्रिंग ताजमहल वाइल्ड लाइफ वगैरह और कमर्शियल बेसिस पे चार्ज कर रही है. कमर्शियल रिसीट्स 20% से ऊपर है, क्या होगा? एग्जेम्पशन मिलेगी, अमेंडमेंट्स लगती नहीं है. ऐसे मैंने योगा का किया है. सो अब आखिरी के 10-15 मिनट मैं आपको कराने जा रहा हूं अमेंडमेंट्स जो ट्रस्ट के चैप्टर में आई फाइनेंस एक्ट 21 के द्वारा. मैंने इसे चैप्टर के बीच में नहीं लिया ताकि इंपॉर्टेंस इसकी लूज ना हो जाए. पेज 417A पर आइएगा, पेज 417A, अमेंडमेंट्स बाय फाइनेंस एक्ट 21. पहली अमेंडमेंट मैं करा चुका हूं क्योंकि इसको मैं अलग से नहीं करा सकता था.
पहली अमेंडमेंट है कि अगर आप लोन लेते हैं और उससे एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं तो उस एक्सपेंडिचर को आप एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। जिस साल लोन रीपे होगा उस साल लोन रीपेमेंट विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। वन हम कर चुके हैं। टू, एक जजमेंट थी मातृ सेवा ट्रस्ट, इसको इन्होंने ओवररूल किया। इस जजमेंट में क्या था कि ट्रस्ट की सपोज एक मिनट 100 लाख की ग्रॉस रिसीट्स है, 15% एडहॉक कर दीजिए कम 85, और ट्रस्ट जो एप्लीकेशन करती है वो कर देती है मान लीजिए 98 लाख की कर देती है, तो 13 लाख जो एक्सेस एप्लीकेशन हो गई, हाई कोर्ट ने कहा कि इसे आप अगले साल यूज कर सकते हैं, इसे आप अगले साल या फिर उससे अगले सालों में यूज कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट की जजमेंट थी एक मातृ सेवा ट्रस्ट में कि किसी साल में अगर आपकी एक्सेस एप्लीकेशन हो गई है तो जो एक्सेस एप्लीकेशन है 13 लाख उसे आप नेक्स्ट ईयर की एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान सकते हैं, नेक्स्ट ईयर की या फिर अगले साल होगी। एक तरह से लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का कंसेप्ट लिया है ये जजमेंट। इस जजमेंट को ओवररूल कर दिया गया है। जजमेंट ऑफ मातृ सेवा ट्रस्ट ओवररूल्ड। द हाई कोर्ट इन द केस ऑफ मातृ सेवा ट्रस्ट हेल्ड दैट इफ द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम एक्सीड्स द इनकम इन एनी प्रीवियस ईयर देन सच एक्सेस एप्लीकेशन इन माय एग्जांपल 13 लाख कैन बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन द फ्यूचर प्रीवियस ईयर और ईयर्स। देयरफॉर इफ ए ट्रस्ट अप्लाइज 110 crores एंड इट्स इनकम आफ्टर 15% रिडक्शन इज 85 crores, तो एज पर दिस जजमेंट 25 crores की जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसे आप फ्यूचर प्रीवियस ईयर्स में यूज कर सकते थे। हाउएवर दिस जजमेंट इज नाउ ओवररूल्ड बाय फाइनेंस एक्ट 21 by adding explanation 5 to section 11(1) which provides that the excess application of 25 crores cannot be treated as application of income in any subsequent previous years, explanation 5 is as under. For the purpose of this subsection means 11(1) it is hereby clarified that calculation of income required to be applied or accumulated during the previous year shall be made without any set off or deduction of allowance of any excess application of any of the year preceding the previous year. So matri se what trust is overruled, to kisi bhi saal mein aapka excess application hai उसे अगले सालों में यूज नहीं कर सकते। लास्ट इज कॉर्पस डोनेशंस। तो मैंने कहा था कि कॉर्पस डोनेशंस पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती हैं। फाइनेंस एक्ट 21 कहता है एग्जेम्पशन तब मिलेगी अगर इन कॉर्पस डोनेशंस को आप इन्वेस्ट कर देते हैं 11(5) सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एफडीआर वगैरह, और उन एफडीआर को ईयरमार्क करते हैं फॉर कॉर्पस। सो कॉर्पस डोनेशंस अब एग्जाम तभी होंगी आपकी अगर आपने इन्वेस्ट किया है 11(5) सिक्योरिटीज में। प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 21 द कॉर्पस डोनेशंस वर टोटली एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड द डोनर गिव द डोनेशन with a specific direction that donation is towards a corpus of the trust. Abhi bhi same law hai. Finance Act 21 has made the following amendments. Ab aapko invest karna must hai
in 11.5 securities. Corpus donations will be exempt only if they are invested or deposited in any one or more of the forms or modes specified in 11.5, maintained specifically for such corpus. तो आपको 11.5 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है कॉर्पस डोनेशन और ईयर मार्क करेंगे ये एफडीआर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर कॉर्पस डोनेशन रिसीव्ड. नंबर टू, कॉर्पस डोनेशन में से अगर कुछ पैसा खर्च करते हैं उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा. बिल्कुल ठीक है, बिकॉज सिंस कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट है, अब उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए दी गई है, देन दैट इज नॉट ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम. एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस फ्रॉम द कॉर्पस डोनेशंस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस. सो अगर आपको 100 लाख की कॉर्पस डोनेशन मिली तो कॉर्पस डोनेशन लेके जाइए, उसे एफडी कराइए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदिए 100 लाख की, तभी एग्जेम्प्ट होगी. अब सपोज इसमें से आपने 15 लाख यूज कर लिया तो 15 लाख को एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे. आपने 15 लाख की एफडी ब्रेक की, यूज कर लिया, 15 लाख विल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम. बट फ्यूचर ईयर्स में अगर 15 लाख वापस रिप्लेनिश कर रहे हैं आप करंट ईयर इनकम में से 15 लाख रिप्लेनिश कर रहे हैं कॉर्पस में, तो उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा. सो सर, ईयर वन में आपको 100 लाख की कॉर्पस डोनेशन मिली, 25 कर लेते हैं, 25 15 से वो एडॉक डिडक्शन का याद आ जाता है, तो 100 लाख एग्जेम्प्ट है प्रोवाइडेड अपने एफडीआर में इन्वेस्ट कर दिया. सपोज उस साल में आपने 25 लाख अप्लाई कर दिया इस कॉर्पस डोनेशन से, तो 25 लाख को एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे. ईयर टू में अगर आपने कॉर्पस को वापस 100 पे रिस्टोर कर दिया तो जो 25 लाख आप यूज कर रहे हैं ईयर टू की इनकम से टू रिप्लेनिश द कॉर्पस, उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान ली. सो पहली कंडीशन है कि कॉर्पस डोनेशंस एग्जेम्प्ट होंगी ओनली इफ यू इन्वेस्ट देम इन 11.5 सिक्योरिटीज. नंबर टू, एप्लीकेशन फॉर रिलीजियस फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस फ्रॉम कॉर्पस डोनेशंस shall not be treated as application of income for charitable or religious purposes. However, the amount not treated as application, 25 lakh in my example, shall be treated as application for charitable religious purposes in the previous year in which the amount is invested, deposited back in one or more of the forms or modes specified in 11.5, maintained specifically for such corpus from the income of that year and to the extent of such investment or deposit. तो अगर next year में आप 25 लाख corpus replenish कर देते हैं, अगर 20 करते हैं तो 20 application मानी जाएगी. अगर second year में 75 में 20 corpus restore करते हैं तो second year में 20 लाख आपकी corpus application of income मानेगी. Note में मैंने लिखा, if corpus donations are not invested in modes, forms specified in 11.5, then such corpus donations are not exempt and they'll be treated as normal donations. For example, a charitable trust receives corpus donations of 2 crores in previous year 22. It invests 2 crores in bank FDR in previous year 22, isliye donation exempt ho gayi. ट्रस्ट 50 लाख खर्च करती है इस कॉर्पस डोनेशन से प्रीवियस 23 में, अब ये 50 लाख एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे 31 मार्च
23 की, ट्रस्ट एफडीआर को रिप्लेनिश कर देती है, 1.5 करोड़ का बचा था 1.8 करोड़ पर रिप्लेनिश कर दिया, यानी 30 लाख डाल दिया इसमें बाय यूजिंग द इनकम ऑफ प्रीवियस 24. नाउ 30 लाख शैल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस 31 मार्च 24. सो ये अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस एक्ट 21 की जो मैंने अलग से कराई ताकि आप ट्रैक लूज ना कर जाएं, इनकी इंपॉर्टेंस याद रखें. इसी पेज पर एक और पॉइंट नोट करिए, पेज 417B पर एक पॉइंट लिखिए. इट इज पॉसिबल फॉर अ ट्रस्ट टू साइमल्टेनियसली क्लेम द फॉलोइंग एग्जेम्पशंस. एक मिनट अभी करता हूं. इट इज पॉसिबल फॉर अ ट्रस्ट कि साइमल्टेनियसली आप क्लेम कर सकते हैं द फॉलोइंग एग्जेम्पशंस. वन, सब क्लॉज वन ऑफ क्लॉज टू ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11(1) नंबर टू सब क्लॉज टू रोमन टू ऑफ क्लॉज टू ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11(1) एंड सेक्शन 11(2). तो आप ईओ को डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि मुझे पैसा मिला नहीं है, जब मिलेगा उस साल में या उससे अगले साल खर्च करूंगा. आप डिक्लेरेशन ये भी दे सकते हैं कि कुछ पैसा मैंने करंट ईयर में खर्च नहीं किया, अगले साल में खर्च करूंगा. और साथ के साथ आप 11(2) में 5 साल की एक्युमुलेशन कर सकते हैं. सो कुछ क्वेश्चंस करिएगा. उल्टा चलते हैं. पेज 440 पे क्वेश्चन 27 करिएगा. पेज 440 क्वेश्चन 27. 442 क्वेश्चन 28. 442 क्वेश्चन 28. 434 क्वेश्चन 23. 434 क्वेश्चन 23. 431 क्वेश्चन 20. 429 क्वेश्चन 18. बस एक और दूंगा. 422 क्वेश्चन 9. सो इन क्वेश्चंस को करिएगा. चलिए, विल स्टॉप हियर.